लेक्चर नंबर 2, नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेशन। चलो, लास्ट क्लास में तुम लोगों को सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन वाला पार्ट तो बता दिया था यार। इसमें क्या दिक्कत हुआ है हमको समझ नहीं आ रहा। पेन सिलेक्ट ही नहीं हो रहा, तो कुछ छेड़खानी किया है इसके साथ, वन नोट के साथ मेरा पूरा सेटिंग बिगड़ गया है। देख सर रहा है, उसमें पेन में ब्लैक पेन आ गया, व्हाइट की जगह पे कलर ही चेंज हो गया है। अब ब्लैक स्क्रीन में ब्लैक पेन से कैसे लिखे? और जब व्हाइट कर रहे हैं तो पेन नहीं सिलेक्ट हो रहा मेरा, पता नहीं क्या दिक्कत है। डार्क मोड ऑफ करना पड़ गया नहीं नहीं, डार्क मोड ऑफ करेंगे तो और दिक्कत है। से एक बार डार्क मोड ऑफ करके ऑन करके देखिए। डार्क मोड ऑफ करके ऑन करके देख लिए हम, शायद से एक बार ट्राई किए थे। ये तो व्हाइट मोड में आते ही ऐसा लगता है जैसे आंख में इतना तेज रोशनी आया है, जैसे पता नहीं क्या हो गया, आदत खराब हो गया उन लोग का। हो रहा है पेन सेलेक्ट? अभी भी नहीं हो रहा है शायद से। नहीं, हो गया, हो तो गया, लेकिन इसमें कलर देखो, जैसे ही व्हाइट कलर सेलेक्ट कर रहे हो कहीं और चला जा रहा है पेन। सर क्या स्क्रीन प्रेजेंट करके कीजिए तब ना कुछ देख पाएगा। स्क्रीन क्या करके करें? सर स्क्रीन को प्रेजेंट करके कीजिए तब ना कुछ देख पाएंगे अच्छा, क्या तुम लोग कर तो रहे देख आप। ही नहीं पा रहा है, तुम लोग देख ही नहीं पा रहा है। देख रहा है, जैसे दिखाइए यहाँ सर, थोड़ा जुगाड़ लगाएंगे। पे सोच के देखो, ये दिख रहा है व्हाइट वाला पेन दिख रहा है, जैसे ही इसमें जैसे ब्लू वाला पेन है तो ये सिलेक्ट किया तो ब्लू वाले में वो आ गया ना, थोड़ा सिलेक्टेड टाइप का। रेड वाले में किया तो रेड वाले में आ गया, जैसे ही व्हाइट वाले पे सिलेक्ट कर रहे हैं तो देखो इधर ब्लैक वाला सिलेक्ट हो जा रहा है। और ब्लैक वाले में अगर हम कलर चेंज कर रहे हैं तो बगल वाले पे चला जा रहा है वो, ये व्हाइट वाला पार्ट फिर नहीं सिलेक्ट हो पा रहा है। फिर यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे तो वही ब्लैक वाला आ रहा है। क्या है इसमें तवाही, हमको समझ नहीं आ रहा। सर नया स्लाइड ये कीजिए, सेलेक्ट कीजिए। नया स्लाइड में भी यही चीज़ प्रॉब्लम। अभी उन लोगों को पढ़ा रहे थे हम तो भी शायद इस तरह का दिक्कत आ रहा था। फिर ब्लैक पेन आ गया, क्या तकलीफ है भाई? अरे सर व्हाइट नहीं हो रहा है, ब्लैक के लिए तो व्हाइट है ना, क्या है ब्लैक के लिए? पता ब्लैक लेफ्ट में। नहीं एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा क्या दिक्कत है इसमें। अगर नया पेज क्रिएट करते हैं तो अभी भी नहीं सिलेक्ट हो रहा, ऐसे कैसे चलेगा गुरुजी? और दूसरे को भी कर रहे हैं तो वो भी ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया है। स्टेप एंड क्रिएट होते जा रहा है। वही तो, क्या मजाक है ये। पता नहीं कोई कुछ किया है इसके साथ गलती से। चलो छोड़ो, उसके बिना ही कुछ काम कर लेंगे, जुगाड़ लगाते हैं। ब्लू पेन है मेरे पास और ब्लैक चाहिए था उसकी जगह से पे कुछ और। गोल्डन मत यूज करिए। हाँ, गोल्डन मत यूज नहीं यूज करेंगे, हमको ध्यान है क्योंकि उससे गड़बड़ी होता है। ठीक है, हम पेंसिल यूज कर लेते हैं, पेंसिल में वाइट तो यूज कर सकते हैं, थोड़ा मोटा कर लेते हैं इसको। अगर पेंसिल यूज करें तो थोड़ा और शार्प कर, मतलब डल करना पड़ेगा। हाँ चलो ठीक है, चल जाएगा मेरे इससे इसमें। अरे यार, वाइट करने पे क्या तकलीफ आ रही है? वाइट कलर सिलेक्ट नहीं हो रहा है केवल। दुश्मनी हो गया है व्हाइट कलर। सो नया स्लट सर कीजिए। आपको आपको भेजे टेलीग्राम पे सॉल्यूशन उसका। अब उधर तो नहीं देख रहे, नया स्लाइड भी हम करके देख लिए अदवे, उसमें नहीं हो रहा है वो सिलेक्ट। और कोई कलर? हम लोग ब्लू और व्हाइट यूज करते थे ना। रेड कीजिए। चलो ये भी ठीक है ऑप्शन, ठीक है इसी कलर से पढ़ा लेंगे, अब इतना मेहनत नहीं करें, बहुत टाइम खराब हो गया। चलो भाई ध्यान दो, जैसे लास्ट क्लास में हम लोग शुरू किए थे नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में लेक्चर 3,
और उसमें हम लोग अनसैचुरेशन वाले पार्ट को डील कर रहे थे. तो अनसैचुरेशन वाले पार्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, सॉरी मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन सबसे पहले, फिर उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, और फिर उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर. इस चीज को यूज करके हम लोग पेरेंट चेन डिसाइड किया करते थे, और बोला भी था कि हो सकता है कि ये पेरेंट चेन तुम्हारे कंपाउंड का सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ना हो सकता है, लेकिन पेरेंट चेन में वही चेन सेलेक्ट करेंगे जो कि हम लोगों के मैक्सिमम अनसैचुरेशन को कवर करता हो. इसके बाद जब हम लोग नंबरिंग की बात करेंगे, तो नंबरिंग वाले पार्ट में एक छोटा सा रूल है, इसका तुम लोगों को ध्यान करना रखना पड़ेगा. जब हम लोग नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन की बात करते हैं, तो नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन वाले पार्ट में हम लोग सबसे पहला रूल जो डिस्कस करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल. लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल. और इस रूल का क्या मतलब होता है, इस चीज़ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे अभी के लिए आगे. फिर इसके बाद जब इससे डिसाइड नहीं कर सकते, तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल जो है वो हम लोग अप्लाई करते हैं अनसैचुरेशन के लिए, अप्लाई फॉर अनसैचुरेशन लिख देते हैं यहाँ पे. अगर इससे डिसाइड नहीं कर सकते, मतलब बेसिकली अनसैचुरेशन वाले पार्ट को कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, अगर उससे डिसाइड नहीं कर सकते, तब उसके बाद हम लोग सेकेंड रूल में जब आगे मूव करेंगे, तो हम लोग आराम से पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर जा सकते हैं. सेकेंड वाले पार्ट में हम लोग को ध्यान रखना है, हम लोग पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट के हिसाब से काम करेंगे. और जब पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से भी हम लोग काम नहीं कर सकते, तब उस केस में फिर हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे मूव करेंगे. ये नॉर्मली अपना कंसिडरेशन होता है, लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर की जब हम लोग बात करेंगे, तो पहले हम लोग अनसैचुरेशन को प्रेफरेंस देंगे. अनसैचुरेशन वाले पार्ट में अगर अल्कीन अल्काइन है, तो पहले अल्कीन अल्काइन के हिसाब से डिफ्रेंशिएट करेंगे. और अगर अल्कीन अल्काइन वाले पार्ट में अल्कीन होता तो ईन, और अल्काइन होता तो आइन. ई अल्फाबेटिकली पहले आएगा तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलेगा. एक छोटा सा चीज़ है, इस चीज़ को ध्यान रखना. नॉर्मली जैसे स्कूल्स में ऐसा बोल दिया जाता है कि डबल बॉन्ड इज गिवन हायर प्रेफरेंस देन ट्रिपल बॉन्ड, ये थोड़ा गलत है. मतलब डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है. ये प्रेफरेंस तब आता है जब एग्जैक्टली कॉम्पिटिशन हो, और कॉम्पिटिशन में प्रेफरेंस इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि अल्फाबेटिकली इन पहले आ रहा है, ना कि हम लोगों का डबल बॉन्ड ज़्यादा प्रिफर्ड है. आगे एग्जाम्पल्स में, एक दो एग्जाम्पल में इस चीज को डिस्कस करेंगे, बट इस चीज़ का ध्यान रखना है, स्पेशली एलेवेंथ वाले लोग, कि स्कूल में टीचर से बिल्कुल भी लड़ाई मत करना. ये पॉइंट आएगा तुम्हारे सामने, हर एक स्कूल में पिछले 7 साल से सुनते आ रहे हैं इस चीज़ को कि सर स्कूल वाले सर ऐसा बोले, तो हम क्लास में पहले ही मेंशन कर देते हैं अगर इनकेस हम पहले पढ़ाते हैं टॉपिक, तो ये स्कूल में ये मेंशन किया जाएगा कि डबल बॉन्ड और गिवन हायर प्रेफरेंस देन ट्रिपल बॉन्ड. लेकिन ये तब होता है जब एग्जैक्ट कॉम्पिटिशन है, उसमें भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर की वजह से हम लोग ये कंसिडरेशन लेके चल रहे हैं, ऐसे कंसिडरेशन नहीं लेके चल रहे हैं. और अगर अनसैचुरेशन से अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड नहीं हो पा रहा, तब उस केस में हम लोग फिर सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट के ऊपर जाके अपना सारा का सारा कंसिडरेशन लेना शुरू करेंगे. तो पहला काम पेरेंट चेन डिसाइड करो, दूसरा काम पेरेंट चेन का नंबरिंग करो. नंबरिंग में सबसे पहला रूल क्या होता है, इस एक चीज पे आता है. मान लो ये कंपाउंड दे रखा, और इस कंपाउंड वाले पार्ट में हम लोगों को नंबरिंग डिसाइड करना है. तो नंबरिंग आइदर हम लोग लेफ्ट से राइट कर सकते हैं 5, 6, 7, 8, या फिर हम लोग राइट से लेफ्ट जा सकते हैं. ओ, हम लोग राइट से लेफ्ट जा सकते हैं. तो जब राइट से लेफ्ट जाएंगे, तो उस केस में चलो ऑरेंज वाला कलर यूज कर लेते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये दो नंबरिंग यूज कर सकते हैं हम लोग. तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल ऐसा बोलता है कि जिस भी साइड से नंबरिंग करो, जिस कार्बोनेट पे डबल बॉन्ड मिल रहा है हम लोग को, मिलने का मतलब ऐसा नहीं कि कार्बन नंबर 1 और 2 दोनों पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, पहले हम लोग को किस कार्बन पे डबल बॉन्ड मिल रहा है. जैसे अगर वन साइड वाले ब्लू वाले नंबरिंग को फॉलो करते हैं, तो जो ये डबल बॉन्ड है ये सबसे पहले हम लोग को कार्बन नंबर 1 पे दिख रहा है, तो केवल कार्बन नंबर 1 कंसिडर करेंगे. उसके बाद अगला पाई बॉन्ड हम लोगों को सेकंड नंबर पे दिख रहा, तो सॉरी थर्ड नंबर कार्बन पे, तो कार्बन नंबर 3 केवल कंसिडर करेंगे. मतलब एक बार कार्बन नंबर 3 पे पहुंच गए तो दिख गया डबल बॉन्ड तो है. तो डबल बॉन्ड हमेशा दो एटम के बीच में बनता है, मतलब कार्बन नंबर 4 बाय डिफॉल्ट होगा वहां पे, तो इसीलिए कार्बन नंबर 3 लेंगे. और लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल में हर एक पाई बॉन्ड के पोजीशंस को सम अप करना होता है, 1, उसके अलावा 3rd पोजीशन, उसके अलावा 7th पोजीशन, टोटली जो वैल्यू है 11 के बराबर आ रहा. जबकि अगर ऑरेंज वाले पार्ट को फॉलो करते हैं, तो ऑरेंज वाले नंबरिंग में
पहला पाइवोंट 1 पोजीशन पे, दूसरा पाइवोंट 5th पोजीशन पे और तीसरा पाइवोंट 7th पोजीशन पे। तो यहाँ के हिसाब से 7, 1, 8, 5, 13 लोएस्ट सेट ऑफ लॉक एंड रूल, आराम से हम लोग फर्स्ट नंबर वाले पार्ट की बात कर सकते हैं। ऑल्दो एक चीज है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल नहीं यूज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल हम लोग अल्कीन वाले पार्ट के नोमेनक्लेचर में यूज नहीं करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हम लोग सब्स्टिट्यूएंट में यूज कर रहे होते हैं, और उसके अलावा फिर हम लोग नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में यूज कर रहे होते हैं। जब हम लोग डबल बॉन्ड वाले पार्ट की बात करते हैं, मतलब अनसैचुरेशंस की बात करते हैं, तो हम लोग लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंड रूल के हिसाब से काम करते हैं। तो इस केस में हम लोग, जैसे अगर ढंग से देखो तो एक चीज को सोचना, मतलब हम लिख दिया करते हैं यहाँ पे लोएस्ट सेट ऑफ लॉक एंड रूल, बट ये समझाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज होता है। लोएस्ट सेट ऑफ लॉक एंड रूल का मतलब हो गया 1, 3, 7, और नीचे वाले पार्ट में 1, 5, 7, ये लोएस्ट सेट ऑफ लॉक एंड रूल है। तो जैसे 1, 3, 7, ये ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। होता है एक्चुअल में, जहां तक हमको ध्यान है, वो ज्यादा इसके डिटेल में हम गए नहीं कभी, हमको दिमाग भी नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि इस तरह के लेवल का सवाल पूछा भी नहीं जाता है कभी। होता है लोएस्ट सम ऑफ लॉक एंड रूल, और लोएस्ट सेट ऑफ लॉक एंड रूल ये चीज होता है, केवल हम लोग केवल पोजीशंस को मेंशन कर रहे हैं, बट उसी लोएस्ट सम ऑफ लॉक एंड रूल को हम लोग यहाँ पे लोएस्ट सेट के जैसा कंसिडर करते हुए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। बट फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस वाले पार्ट को यहाँ पे हम लोग कंसिडर नहीं करके चल रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखना। और अगर लोएस्ट सेट ऑफ लॉक एंड रूल देखो तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के जैसा ही चीज है ऑलमोस्ट, बट हो सकता है कि वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस एग्जैक्टली फॉलो ना हो। बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हम लोग अगर कंसिडर करें तो फॉलो ना हो, छोटे एग्जाम्पल में स्पेसिफिकली 10 कार्बन तक आराम से फॉलो हो जाता है कि हम लोग का फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, हमको शायद लगता है, शायद हम कभी ऐसा कभी ट्राई भी नहीं किया, हो सकता है किसी एग्जाम्पल में हम गलत भी हों, बट जितने एग्जाम्पल्स आज तक हम देखे हैं तो लोएस्ट सेट में तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बाई चांस कवर हो जाता है। तो हम भी कभी दिमाग लगाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हम लोग के सिलेबस में 10 ही कार्बन चेन का सिलेबस है। बट उससे हाइयर केसेस में हो सकता है कि लोएस्ट सेट ऑफ लॉक एंड रूल थोड़ा अलग वैल्यू देता हो और फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस अलग वैल्यू देता हो, तो इसलिए हम लोग लोएस्ट सेट ऑफ लॉक एंड रूल को फॉलो करते हुए फर्स्ट काम करते पॉइंट ऑफ हैं। डिफरेंस क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, जैसे हम लोग सब्स्टिट्यूएंट में बोल रहे थे कि जिस साइड से जाने पे पहले सब्स्टिट्यूएंट आ रहा हो, ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस वर्ड कहाँ पे पड़ा है तुम्हारा अरविंद? एग्जैक्टली सोलोमन्स सोलोमन में जब पढ़ रहा था तो उसमें किसके नोमेनक्लेचर में पढ़ा था? एल्कीन एल्कीन में, एल्कीन एल्केन में, हाँ एल्केन वाले पार्ट में। जैसे लास्ट क्लास में हम लोग जो एक्चुअल में हम लोग फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस वर्ड यूज नहीं करते, वो ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। जैसे हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर किए थे तो बोले थे ना कि पहले जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट मिल जाए, तो ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। पहला डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट हो रहा है जिसको फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बोल रहा है। एक साइड से जाने पे जैसे मान लो ऐसा है केस, और हम लोगों का यहाँ क्लोरीन दे रखा और यहाँ पे 2 ब्रोमीन दे रखा, तो इस केस में हम लोगों का पहले पोजीशन पे क्लोरीन है जबकि यहाँ सेकंड पोजीशन पे 2 ब्रोमीन है, तो भी हम लोग नंबरिंग राइट साइड से शुरू नहीं करेंगे, हम लोग नंबरिंग लेफ्ट साइड से ही शुरू करेंगे, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पहले कार्बन पे क्रिएट हो रहा है, पहले कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट है जबकि यहाँ पे पहले कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। लेकिन ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस वर्ड हम नॉर्मली नोमेनक्लेचर में यूज नहीं करते। इसलिए नहीं करते क्योंकि आगे जाने के बाद एक छोटा सा रूल आएगा, जब हम लोग ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पढ़ेंगे, सीआईपी रूल। उस सीआईपी रूल में भी हम लोग एक ग्रुप के प्रायोरिटी की बात करते हैं, वो प्रायोरिटी थोड़ा अलग होता है, लेकिन इस प्रायोरिटी के टाइम पे हम लोग फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस यूज करते हैं। तो कन्फ्यूजन ना हो कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहाँ कुछ और था वहाँ कुछ और था, इसलिए हम यहाँ पे ये वर्ड यूज नहीं करते हैं। पहले जिस साइड से जाने पे सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा हम लोग उस चीज को कंसिडर करेंगे। अल्कीन में हम लोग इस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, लोएस्ट सेट ऑफ लॉक एंड रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो जितने भी अपने पोजिशन हैं अनसेचुरेशन के, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में नहीं, उन सारे के सारे पोजिशन वाले पार्ट को हम लोग एडअप करके जिसका वैल्यू लोएस्ट आएगा उसको फॉलो करेंगे। मतलब ये ब्लू वाला नोमेनक्लेचर फॉलो करेंगे, ये ऑरेंज वाले पार्ट को फॉलो नंबरिंग के लिए नहीं करेंगे। अब इसके बाद कुछ रूल्स इसमें है ऐसा, जैसे पहले रूल से अगर काम नहीं हुआ तो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पे गए, ये जिस साइड से जाने पे पहला सब्स्टिट्यूएंट, और जो अल्केन का रूल था एग्जैक्टली वही है, उसमें एक पार्ट एक्स्ट्रा ऐड हो गया, अगर उससे भी काम नहीं हो पा रहा तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद कुछ कुछ पॉइंट्स है जिनका ध्यान रखना है। जैसे नोमेनक्लेचर करते वक्त हम लोग जब नाम लिखेंगे तो नेम ऑफ सेकेंड, सॉरी प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स का मतलब हो गया अल्कीन अल्काइन, तो नेम ऑफ ऐसा लिख देते ज्यादा बेटर होगा, नेम ऑफ इन आइन इज ऑलवेज रिटेन अलोंग विथ
their positions along with their positions. जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ऊपर वाले एग्जाम्पल में ऐसा पहले भी हम लोग डिस्कस किए थे वन ब्यूटीन या टू ब्यूटीन. तो यहाँ पे वन पोजिशन पे अनसेचुरेशन है तो वन अल्कीन, थ्री अल्कीन और उसके अलावा सेवन अल्कीन. बट पॉइंट वही है कि जब तीन बार चीजें रिपीट हो रही है तो डाइट्राइट्रेट आराम से यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. तो यहाँ पे लेकिन एक पॉइंट ध्यान रखना होगा, इन केस ऑफ रिपीटिशन ऑफ अल्कीन्स या अनसेचुरेशंस, डाइट्राइट्रेट्रा will be used. और इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना है, इन दिस केस ए इज एडेड आफ्टर द वर्ड रूट. वर्ड रूट का मतलब पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, उस पेरेंट चेन के कार्बन के नाम के आगे ए लगा देना है. जैसे चार कार्बन है तो ब्यूट होता है तो ब्यूटा लगा देंगे हम लोग. अगर छह कार्बन है तो हेक्स होता है. तो अगर डाइट्राइटेट्रा होगा तो हम लोग हेक्सा वर्ड यूज करके काम करेंगे. अगर नॉर्मल अल्कीन है तो नॉर्मल रहेगा, हेक्स इन कोई दिक्कत नहीं है. बट अगर दो डबल बॉन्ड है तो हेक्सा डाइन, इस तरीके से नोमेनक्लेचर हम लोग फॉलो करते हुए काम करते हैं. बाकी अल्कीन में जैसा नोमेनक्लेचर किए थे एग्जैक्टली उसी टाइप का रूल है इसमें, मेरे हिसाब से उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा. एक पॉइंट ध्यान रख सकते हैं तुम लोग कि अगर अल्कीन हुआ और अल्काइन हुआ दोनों हुआ तब उस केस में हम लोग इनाइन वर्ड यूज कर सकते हैं. तो जब इनाइन वर्ड यूज करेंगे तो इन का पोजीशन क्या है और आइन का पोजीशन क्या है, ये दोनों चीजें लिखते हुए काम करना है अपने को. तो समथिंग इन समथिंग आइन, ये कम्प्लीटली इनाइन में पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या है, इस चीज को मेंशन करते हुए काम करते हैं हम लोग. जैसे मान लो ऊपर वाले एग्जाम्पल की बात करते हैं, या चलो थोड़ा थोड़ा छोटा एग्जाम्पल लेके चलते हैं. मान लो जैसे एग्जाम्पल दे रखा, तो सबसे पहला काम क्या है, पेरेंट चेन डिसाइड करो. जब पेरेंट चेन वाले पार्ट को डिसाइड करेंगे तो पेरेंट चेन वाले पार्ट में वाइट कलर सेलेक्ट ही नहीं हो रहा. जब पेरेंट चेन वाले पार्ट को डिसाइड करेंगे तो पेरेंट चेन वाले पार्ट में हम लोग ऐसा आराम से कंसिडर कर सकते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन. तो एक ही तो अनसैचुरेशन, एक ही कार्बन चेन है, हो गया काम. नंबरिंग इधर से शुरू करें तो लेफ्ट साइड से जाएंगे तो उसके इसमें पहले पोजिशन पे अनसैचुरेशन आएगा, जबकि राइट साइड से जाएंगे तो फिफ्थ पोजीशन पे अनसैचुरेशन आएगा. तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंड रूल का ज्यादा कोई लॉजिक नहीं है क्योंकि एक ही तो डबल बॉन्ड है, किसी भी साइड से जाओ एक ही से ही मतलब होगा. तो लोएस्ट पोजीशन से मतलब हो गया. तो नोमेनक्लेचर में नंबरिंग हो गया, छह का कार्बन चेन था ये भी डिसाइड हो गया. छह के कार्बन चेन के लिए जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो पहले वर्ड रूट लिखो हेक्स, हेक्स के बाद अल्कीन का पोजिशन वन है तो हेक्स में पोजिशन लिख के इन वर्ड लगाना होगा. तो हेक्स वन इन, पेरेंट चेन इंक्लूडिंग अनसैचुरेशन का नाम हो गया. इसके बाद फोर्थ पोजीशन पे ब्रोमीन है तो आराम से फोर ब्रोमो वर्ड मेंशन कर सकते हैं. नोमेनक्लेचर फोर ब्रोमो वन हेक्सीन, सॉरी फोर ब्रोमो हेक्स वन इन आराम से मेंशन कर सकते हैं. कहीं कहीं पे फोर ब्रोमो वन हेक्सीन भी मिलता है लेकिन वो पुराना कन्वेंशन था, वो भी एग्जिस्ट करता है बट वो पुराना कन्वेंशन था क्योंकि वो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा. तो इसीलिए हेक्स के आगे वन नहीं लगाया जाता है नॉर्मली. जैसे मान लो कि केवल डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में तो ये आगे चला गया कोई दिक्कत नहीं है, बट बाद में मालूम पड़ेगा कि फंक्शनल ग्रुप में भी पोजीशन आता है. तो फंक्शनल ग्रुप में भी पोजीशन आ रहा है उसको भी हम लोग लास्ट में लिखते हैं, डबल बॉन्ड में भी पोजीशन आ रहा है उसको भी हम लोग इस वर्ड रूट के पीछे लिख रहे हैं. तो किसका नंबरिंग है कन्फ्यूजन ना क्रिएट करे, इसीलिए अब हमेशा उसके सफिक्स वाले पोजिशन इन के आगे उसका पोजिशन, फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स के आगे उसका पोजिशन लिख करके हम लोग कम्प्लीट नोमेनक्लेचर किया करते हैं. खैर बहुत सिंपल सा एग्जांपल था तो हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकंड एग्जांपल पे. कहीं पे अगर डाउट होगा तो आराम से पूछते चले जाना. और जैसे हम एक एग्जांपल की बात करें, मान लो ये एग्जांपल दे रखा, अरे सवाल ने पूछा है नोमेनक्लेचर क्या होगा, तो सबसे पहला पार्ट पेरेंट चेन डिसाइड करो. तो दिख रहा है एक ही कार्बन चेन है, नंबरिंग डिसाइड करो. तो नंबरिंग में अगर दो अनसैचुरेशन है तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंड रूल अप्लाई करके चलना पड़ेगा अपने को. तो जब लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंड रूल वाले पार्ट को अप्लाई करेंगे तो इस केस में सात के कार्बन चेन में जब ब्लू वाला नंबरिंग फॉलो करते हैं तो वन प्लस फाइव, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से मतलब नहीं है, बस अनसैचुरेशन का पोजीशन. वन प्लस फाइव मतलब सिक्स हो गया. और दूसरे साइड से जब नंबरिंग करना शुरू करेंगे तो इस केस में टू प्लस सिक्स मतलब एट.
लोएस्ट सेट ऊपर वाले पार्ट को कंसिडर कर रहा है, तो ये नंबरिंग फॉलो नहीं करेंगे, ऊपर वाले पार्ट को फॉलो करेंगे, तो ट्रिपल बॉन्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रहा है, लेकिन यही पार्ट होगा, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस नहीं मिलता है। जब इक्वल कंडीशन होगा तो अल्कीन के अल्फाबेटिकल ऑर्डर की वजह से वो चीज आगे चला जाता है, तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में दो कार्बन चार बॉन्ड बना सकता है, दो कार्बन चार बॉन्ड बना सकता है, नहीं दो कार्बन चार बॉन्ड नहीं बनाता, दो एटम के बीच में चार बॉन्ड बनते हैं बट दो कार्बन चार बॉन्ड नहीं बना सकता है, ठीक है? तो मतलब हम तो आज तक नहीं देखे हैं, वैसे कार्बन तो पांच बॉन्ड बना सकते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में C2 मॉलिक्यूल डिस्कस करते हैं, वो कैसे बनता है? C2 वाला पार्ट में हम लोग ऐसा बोलते हैं कि पहले कार्बन में पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, जैसे कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? चार पक्का? हाँ चार ही बनाता है। कार्बन का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर गया है जिसमें कार्बन पांच बॉन्ड बनाता है, मतलब ये 2 साल पहले की बात है, 2 साल पहले एक मॉलिक्यूल खोज लिया गया जिसमें कार्बन पांच बॉन्ड बना सकता है। अब क्या बोलेंगे बताओ, तो अपना पूरा जिंदगी का मेहनत खराब है, बचपन से जो पढ़ते रहे सब गलत हो गया। एक्सेप्शन तो है, एक्सेप्शन तो है, तो एग्जैक्टली उसी टाइप का जैसे हम लोग C2 2- बोलते हैं। C2 मॉलिक्यूल जब हम लोग बनाते हैं तो C2 मॉलिक्यूल में चार बॉन्ड, एक्चुअल में C2 मॉलिक्यूल हम लोग बना नहीं पाते, जैसे 8 इलेक्ट्रॉन तो ऐसा ही हो गया, 8 के बाद पहले पाई का नंबर आएगा फिर सिग्मा का नंबर आएगा, तो C2 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 12। 12 तो 8 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ कवर हो गया, 2, 4, 6, तो इसका मतलब कितने बॉन्ड हो गए? 3 बॉन्ड। 4 बॉन्ड तो यहाँ पे भी नहीं हो पा रहा, तो इसी टाइप से मॉलिक्यूल बॉन्ड बना पा रहा है, मतलब इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, एक्चुअल में कोई और ऑप्शन नहीं है जो हमको लगता है। और अगर सोचो ढंग से, क्योंकि इसके ऊपर हम कोई ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते, हमको भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है इस बारे में, बट अगर सोचो ढंग से, यहाँ पहले पाई बॉन्ड बन रहा है, जबकि हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि पहले दो एटम्स के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो पहले पाई बॉन्ड बनाने का क्या कंसेप्ट है? तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इस तरह के कंसेप्ट को डिस्कस करता है, तो हम लोग मान के चल रहे हैं, और उसके बारे में कभी ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिटेल में सोचने की कोशिश भी नहीं की है, क्योंकि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं लेकिन हम लोग के स्कोप से बाहर है, तो हमको अगर पता करना होगा तो हम पता कर लेंगे डेफिनेटली, बट हम पता करना कभी प्रीफर नहीं किए, तुम लोग पूछा है तो फिर हम पता करके सोच सकते हैं कि इसमें ऐसा हो क्या रहा है। जैसे नॉर्मली दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो मैक्सिमम 3 होता है, जनरली मैक्सिमम 3 होता है, बट कार्बन मोनोक्साइड में जब हम लोग CO+ का फॉर्मेशन कराते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 3.5 हो जाता है। तो ये भी एक छोटा सा पार्ट है जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन कर पा रहा है, मतलब इस तरह की चीज़ें नेचर में एग्जिस्ट कर रही है और उसका एक्सप्लेनेशन भी है, बट ठीक है वो अपने स्कोप से बियॉन्ड है, तो इसलिए हम ज़्यादा उसमें हम लोग दिमाग नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि लगाने का मतलब ऐसा है कि हम लोग बेसिकली रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च का हम लोग का लेवल है नहीं अभी, रिसर्च करने का कोई सेंस नहीं बनता, हम लोग रिसर्च करने के लिए नहीं बैठे हैं, रिसर्च करने बैठेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ें बता सकेंगे, लेकिन हम रिसर्च करने नहीं बैठे तो हम सजेशन देंगे कि तुम लोग अवॉइड करो इस तरह का इन्फॉर्मेशन ढूंढने का, ठीक है? तो क्या बोल रहे थे, हाँ ठीक है, तो जैसे कार्बन के बीच में एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड एक तरफ डबल बॉन्ड, बट हम लोग पहले ट्रिपल बॉन्ड को फॉलो कर रहे हैं और नोमेनक्लेचर करेंगे तो 7 का कार्बन चेन, मतलब हेप्ट हो गया, और हेप्ट वाले पार्ट के पोजीशन में E9 ही लिखना है, पहले अल्कीन का इन होगा अल्फाबेटिकली फिर आइन होगा, तो नोमेनक्लेचर में पहले इन ही लिखना है, लेकिन उसका पोजीशन वाला पार्ट यहाँ पे 5 होगा, तो 5 इन, और उसके अलावा 1 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड था तो 1 आइन। सो हेप्टा नहीं, यहाँ हेप्टा नहीं लगाना है, कहीं भी डाइट्राइट हेट्रा है क्या? अच्छा हाँ। तो अगर डाइट्राइट हेट्रा नहीं है तो यहाँ पे हेप्टा नहीं लगाना है, ठीक है? केवल E9 है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे हेप्टा लगाने की जरूरत नहीं है, हेप्ट 5 इन 1 आइन ऐसा मेंशन कर सकते हैं। मान लो और क्वेश्चन की बात करते जो ऊपर मेंशन किया था, तो उस क्वेश्चन वाले पार्ट में ऑलमोस्ट शायद इस टाइप का केस था, मान लो ये कंपाउंड दे रखा, इसमें नंबरिंग करना शुरू करें, एक ही तो पेरेंट चेन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और दूसरे साइड से अगर नंबरिंग करना शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ब्लू वाले पार्ट में 1 + 3 + 7 दिख रहा है, और वाइट वाले पार्ट को अगर कंसिडर करना शुरू करें तो 1 + 5 + 7 दिख रहा है, तो यहाँ से अपना वैल्यू आया था 11, यहाँ से आया था वैल्यू 13, मतलब ब्लू वाला पार्ट अपना पेरेंट चेन के लिए नंबरिंग हो जाएगा। 8 का कार्बन चेन है तो 8 के कार्बन चेन के लिए ऑक्ट वर्ड यूज करेंगे,
और तीन डबल बॉन्ड दिख रहा, मतलब ट्राई इन तो आना है, तो यहाँ पे ऑक्टा लगा देंगे आराम से हम लोग। ऑक्टा वाले पार्ट में फिर हम लोग नोमेनक्लेचर में 1, उसके बाद 3, उसके बाद 7, इन तीन पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड डाल रखे हैं, तो 1, 3, 7 ट्राई इन वाला पार्ट मेंशन करते हुए आराम से काम कर सकते हैं। ये कंप्लीट नोमेनक्लेचर ऑक्टा 1, 3, 7 ट्राई इन कंसिडर किया जा सकता है। एक दो क्वेश्चंस खुद से ट्राई करके देखो। क्वेश्चन नंबर 4, ट्राई करके देखो सवाल। पहले काम जो बताया है, पहले पेरेंट्स इनको अंडरलाइन कर लेना कॉपी में, और अंडरलाइन करने के बाद वहीं पे नंबरिंग करना, क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये हैबिट डेवलप करना। आपको लगता है ना उस पेन में व्हाइट कलर नहीं था कभी भी, ये कलर था शायद। चलो मान के चल रहे कि तुम्हारा आंसर शायद आ गया होगा। हम इसमें कुछ कुछ पार्ट लिखते जा रहे हैं, पहले तो पेरेंट चेन डिसाइड करना है, तो पेरेंट चेन वाला पार्ट यहाँ से शुरू होके ऐसा कुछ कुछ होना चाहिए। सारे अनसेचुरेशन एक जगह कवर हो जा रहे हैं, तो पेरेंट चेन यहाँ से डिसाइड कर लिया, और मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चेन भी होने चाहिए, तो भी हो गया यहाँ से। फिर जब नंबरिंग शुरू करेंगे तो इधर से नंबरिंग करना जिंदगी को आसान बनाएगा, क्योंकि 1 और 3 पोजीशन दिख रहा है, जबकि दूसरे साइड से 1, 2, 3, 4, 5, 5 और 7 पोजीशन दिख रहा है। तो नंबरिंग वाला पार्ट कर लिया, पेरेंट चेन डिसाइड कर लिया, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 का कार्बन चेन है। अगर 8 का कार्बन चेन है मतलब ऑक्ट, और क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है तो डाइन लगेगा, तो ऑक्टा लगाएंगे, और नोमेनक्लेचर में पहले पेरेंट चेन का नोमेनक्लेचर इंक्लूडिंग अनसैचुरेशन कवर करेंगे। तो ऑक्टा के 1 पोजीशन पे और 3 पोजीशन पे हम लोग डबल बॉन्ड बना सकते हैं, मतलब ऑक्टा 1, 3 डाइन लगा सकते हैं। और 4th पोजीशन वाले पार्ट पे हम लोग के पास एक इथाइल ग्रुप है, और 3rd पोजीशन वाले पार्ट पे हम लोग के पास 4 का कार्बन चेन है, मतलब ब्यूटाइल ग्रुप है। तो 4th पोजीशन पे हम लोग इथाइल वर्ड मेंशन करेंगे, और उसके अलावा हम लोग के 3rd पोजीशन वाले पार्ट पे ब्यूटाइल ग्रुप है। अल्फाबेटिकली पहले बी आएगा, फिर ई आएगा, तो पहले हम लोग इथाइल को डालेंगे, फिर उसके बाद आराम से हम लोग ब्यूटाइल वाले पार्ट को, सॉरी पहले ब्यूटाइल को डालेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आराम से इथाइल को डाल सकते हैं। तो 3 ब्यूटाइल 4 इथाइल ऑक्टा 1, 3 डाइन, ये कंप्लीट नोमेनक्लेचर कंसिडर किया जा सकता है। कोई डाउट है यहाँ तक तो आराम से पूछ सकते हैं, और अगर डाउट नहीं है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करके देखो। थोड़ा भारी क्वेश्चन दे रहे हैं, थोड़ा ही भारी है, ज्यादा नहीं है। क्या थोड़ा ऊपर करने बोल रहा है? थोड़ा ऊपर करना है इतना कि और ऊपर? अच्छा
ट्राई करो सवाल। सर एक साइड से पहले हम लोग को अगर डबल बॉन्ड मिल रहा हो और एक साइड से पहले हम लोग को अगर ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा हो तो फिर हम लोग कहाँ से नंबरिंग करेंगे? ये यस सर, क्योंकि डबल बॉन्ड वाले पार्ट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले आएगा, बट जब तक अल्फाबेटिकल ऑर्डर तक जाने की जरूरत ना पड़े तब तक इस पॉइंट पे नहीं जाएंगे। दो तीन काम तो इसमें कर देते हैं, पेरेंट्स इन तो बड़ा जिंदगी में आसान चीज है, इसमें डिसाइड कर लिया। और किसका आंसर आया, कौन बोला हो गया वही आंसर बताएगा। जोसना बताओ भाई आंसर, 6 ब्रोमो, 6 ब्रोमो या 3 ब्रोमो? 6 ब्रोमो क्यों 6 ब्रोमो? क्योंकि सैचुरेशन तो दोनों साइड सेम है, बट हम लोग सब्स्टिट्यूएंट्स पे जाएंगे कि मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स किस साइड से मिल रहा है। पहले किस साइड से सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है? तो पहले तो इस साइड से भी थर्ड नंबर पे मिल रहा है, इस साइड से भी थर्ड नंबर पे मिल रहा है, लेकिन इस सेकेंड साइड से वाला पर इस सेकेंड साइड पे से भी मिल रहा है। क्लोरीन पे ही मिल रहा है। तो नंबरिंग वाला पार्ट हम लोग लेफ्ट साइड से ही शुरू करेंगे, और नंबरिंग जब शुरू करेंगे तो 8 का कार्बन चेन है, मतलब ऑक्ट हो गया, डबल बॉन्ड है इसका मतलब ए लगा देंगे, उसके अलावा 1 पोजिशन और 7 पोजिशन वाले पार्ट पे हम लोग का डाईन जाएगा, और डाईन जाने के बाद हम लोग के थर्ड पोजिशन पे फ्लोरो दिख रहा है हमको, थर्ड पोजिशन पे क्लोरो भी दिख रहा है मेरे को, और 6 पोजीशन पे ब्रोमो दिख रहा है। अल्फाबेटिकली पहले 6 ब्रोमो जाएगा, फिर उसके बाद क्लोरो जाएगा, और उसके बाद फिर फ्लोरो जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करके देखो। एक सेकंड, हाँ ठीक है, ट्राई करके देखो। रोज शाम को 7:30 बजते ही सायरन बजना शुरू हो जाता है, पुलिस का गाड़ी घूमना शुरू कर देता है दुकान बंद कराने के लिए। हमको वैसे एक चीज समझ नहीं आ रहा कि रात को 7:30 बजे दुकान बंद कराने का क्या लॉजिक है? 7:30-8 बजे तक तो वैसे ही भीड़ भाड़ खत्म हो जाता है, तो लॉजिक क्या है इस पार्टिकुलर स्टेप का? लॉजिक हमको ज्यादा कुछ समझ नहीं आया वैसे। बोकारो में कुछ लॉजिक नहीं है, बोकारो में नहीं, इन जनरल में क्या लॉजिक है? रात में कोई थोड़ा ना घर से बाहर निकलता है, सुबह के टाइम पे लगाए तो चलो समझ में आता है, लेकिन रात में मतलब एग्जैक्टली 7:30 बजे, और बोकारो में तो खैर बोकारो में तो वैसे भी 9 बजे कर्फ्यू लग जाता है, यहाँ तो लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लॉकडाउन में पुलिस वाले चिल थे, मतलब हम लोग भी एक दिन बाहर निकले तो पुलिस वाले मिल गए थे, तो बस यही बोले मास्क लगा के घुमा कीजिए, ऐसे मत घुमा कीजिए बस, अदरवाइज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ भाई आंसर। सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन जो होता था उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन में हम लोग ट्रिपल बॉन्ड को 2 यूनिट काउंट करते थे। नहीं, अनसैचुरेशन मतलब वो यूनिट,
जहाँ पे अनसैचुरेशन एग्जिस्ट करता हो. अनसैचुरेशन मतलब उसमें दो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नहीं देखना उसको. सब्स्टिट्यूट में अगर डबल बॉन्ड होगा तो इसको कैसे लिखते हैं? शायद बताया था नाम. अगर अल्कीन है तो ई हटा के अल्किनाइल. सर 4 इथिनाइल हेप्टा 17 डाइवाइन. डाइवाइन डायन डायन. पेरेंट चेन वाला पार्ट तो सबसे पहले ये हो जाएगा. ठीक है, पेरेंट चेन तो डिसाइड हो गया. और एक चीज देख के मालूम पड़ रहा है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है. अगर ढंग से देखो तो बी से डिवीजन करने पे सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है ये. जितना ग्रुप इधर है एग्जैक्टली सेम ग्रुप इधर है, कोई डिफरेंस. तो नंबरिंग किसी भी साइड से करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है. तो 1 2 3 4 5 6 7 7 का कार्बन चेन, इसका मतलब हेप्ट होगा. लेकिन क्योंकि दो ट्रिपल बॉन्ड है तो हेप्टा, हेप्टा के 1 पोजीशन पे 6 पोजीशन पे डाई आइन वर्ड यूज कर सकते हैं. हाँ, और उसके बाद 4th पोजीशन पे अल्कीन है. अल्कीन वाले पार्ट में भी इथीन है बेसिकली. तो इस केस में हम लोग 4th पोजीशन वाले पार्ट पे हम लोग इथीन वाले पार्ट का नाम इथिनाइल आराम से मेंशन करके काम कर सकते हैं. तो 4 इथिनाइल हेप्टा 1.6 डाइन वर्ड मेंशन किया जा सकता है. सिंपल सा केस होता है, मतलब अल्किन अल्किन वाले पार्ट का नोमेनक्लेचर. बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होता. अल्किन पहली बार सीख रहे होते इसलिए कुछ नया होता है, बट अल्किन वाले पार्ट में कुछ नया बहुत ज्यादा नहीं होता, केवल एक लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्रोल एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है. अदरवाइज ये सिंपल सा टॉपिक है. लेकिन इन दोनों टॉपिक को कम्बाइन करके फिर हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं. और ये पार्ट तो आना ही चाहिए. इथिनाइल में उसमें हम लोग पोजीशन ही डिनोट करेंगे. इथिनाइल में और कोई ऑप्शन है क्या यहाँ पे? ये और कोई ऑप्शन है? ये डबल बॉन्ड कहीं और जा सकता है क्या? सर अगर डालना चाहे तो डाल सकते हैं. कैसे डालेंगे ये बता दे. मतलब अगर वन डाल देंगे. नहीं मतलब डालना चाहे, नहीं पोजीशन की नहीं बात कर रही है, डबल बॉन्ड को कहीं और डाल सकते हैं क्या? नहीं सर ये मेरा क्वेश्चन नहीं था. पूछ रहे कि डाल सकते हैं क्या. अगर नहीं डाल सकते तो पोजीशन देने की जरूरत नहीं है. दे दो तो एक नॉर्मल हैबिट का चीज है. बीच में हाइफ़न नहीं होगा? किसमें? कहाँ बीच में हाइफ़न? इथेनॉल के बाद. ये यहाँ पे कोई गैप नहीं होगा. यहाँ पे स्पेस बार को डिलीट मार देना. ठीक है, वो स्पेस बार नहीं होगा. हम लिखे अलग से इसलिए ऐसा है, वहाँ कोई स्पेस बार नहीं रहेगा. मतलब सॉरी गैप नहीं रहेगा, स्पेस बार नहीं. ठीक है, तो इसमें इथिनाइल जो है इसमें पोजीशन को मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इथीन वाला पार्ट हमेशा दो ही कार्बन के बीच में हो रहा है. तो यहाँ पे पोजीशन मेंशन करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट ना करो तो गलत नहीं है उसमें. ठीक है सर, यही वाला क्वेश्चन में अगर पेरेंट चेन से जो कार्बन अटैच्ड है उसमें डबल बॉन्ड रहेगा तो? ये जो हेडिंग डाल रहे है ना, ये उसका पार्ट है. ठीक है, नहीं ठीक है. मतलब समझ, मतलब ऑनलाइन क्लास नहीं हो तो एक हैबिट है ना, गैप याद नहीं रहता है वर्ड नॉर्मली, तो स्पेस बार ही बोल दिया करते हम. चलो ध्यान दो. खैर, जैसे कॉम्प्लेक्स वन नंबर अगर लोग डालना चाहे तो फिर कैसे डालेंगे? वन नंबर अगर हम लोग डालना चाहे तो कैसे डालेंगे, वो भी इसमें आएगा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में. ठीक है, चलो ध्यान दो. जैसे मान लो कि, चलो यहीं से सवाल शुरू करते हैं. 3 3 6 1 7 1 8 1 9 1 10 10 का कार्बन चेन ये हो गया, और यहाँ पे मान लेते हैं 3 का कार्बन चेन हो गया. ये शायद हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किए थे. तो इस केस में अगर पेरेंट चेन सेलेक्ट करे तो पेरेंट चेन वाले पार्ट में हम लोग के पास ये हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट ही पेरेंट चेन होना होगा क्योंकि अनसैचुरेशन इसमें भी 2 है, अनसैचुरेशन इसमें भी 2 है, अनसैचुरेशन इसमें भी 2 है. सब में अगर 2-2 अनसैचुरेशन है तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चाहिए. तो इस जंक्शन से ऊपर जाने पे 3 कार्बन, राइट साइड में जाने पे 5 कार्बन, लेफ्ट साइड में जाने पे 4 कार्बन. इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली हम लोग इस जंक्शन से लेफ्ट और राइट में जाएंगे ताकि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन निकल के आए. तो पेरेंट चेन डिसाइड हो गया. अब इस पेरेंट चेन से जो भी ग्रुप अटैच्ड होता है उस चीज को हम लोग आराम से सब्स्टिट्यूएंट बोल सकते हैं.
तो अगर मान लो कि हम लोग सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट के टर्म में मेंशन करना शुरू करें इस चीज को, तो आराम से यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट वाला पार्ट कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन अब इसमें पॉइंट ये हो सकता है कि ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ भी तो हो सकता था, तब क्या होगा? और एक्चुअल में जैसे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का पार्ट तो नहीं है खैर ये, लेकिन जो अभी अनूप ये सवाल पूछा कि सर अगर डबल बॉन्ड ऐसा हुआ तब क्या करें, तो जैसे हम लोग नॉर्मली अभी क्या बोले थे लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल में कि जब कार्बन नंबर वन यहाँ लेंगे तो मान के चल लेते हैं कि चेन का अगला कार्बन कार्बन नंबर टू होगा, ये बाई डिफॉल्ट है। बट अगर यहाँ पे कार्बन नंबर मान लेते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 आया, तो 5 के बाद 6 नंबर पे डबल बॉन्ड नहीं है, वो साइड चेन में चला गया डबल बॉन्ड। तो इस तरह के केस में हम लोग एक सर्टेन टाइप का नोमेनक्लेचर यूज करते हैं, वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का पार्ट नहीं है लेकिन थोड़ा यूनिक तरीका है उसके नोमेनक्लेचर का, इसलिए उसको हम लोग यहीं पर डिस्कस कर लिया करते हैं ताकि वो सब चीजें ध्यान हो जाए। जैसे आइसोब्यूटेन क्या होता है, आइसोब्यूटाइल क्या होता है, आइसोब्यूटाइल वर्ड मेंशन किया था क्या तुम लोग, आइसोप्रोपेन आइसोब्यूटेन ये वर्ड मेंशन किया है अभी तक? बुक में दे रखा है, मतलब हम तो मेंशन नहीं किए ना, तो चलो ठीक है। तो जैसे ये सब जो नाम है कॉमन नेम आइसोब्यूटेन आइसोप्रोपेन ये सब नोमेनक्लेचर क्या होता है, ये सारा चीज हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वाले पार्ट में डील कर लेंगे। बट अगर डबल बॉन्ड हम लोगों के यहाँ पे होता तो कुछ अलग चीज है, और अगर राइट साइड में होता तो कुछ अलग चीज है, क्योंकि डबल बॉन्ड का अंदर पोजिशन चेंज हो जा रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इस चीज को हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर डील किया करते हैं। करना कुछ नहीं होता है, बस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का मतलब लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेन किया था कि पेरेंट चेन से अटैच्ड साइड चेन पे जो कोई खुद से एक सब्स्टिट्यूएंट बन गया, उस साइड चेन पे अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है या उस साइड चेन के अंदर कोई अनसैचुरेशन है तो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के कैटेगरी में डाला करेंगे। और करना कुछ नहीं होता है, दो तीन रूल्स मॉडिफाई हो जाते हैं केवल अपने। मॉडिफिकेशन वाले पार्ट में जो सबसे पहला रूल मॉडिफाई होता है वो ये होता है कि पेरेंट चेन का जो हम लोग नाम लिखेंगे तो नाम को हमेशा हम लोग एक ब्रैकेट में लिखा करेंगे। तो ऐसा लिख दिया करते हैं नॉर्मली नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट इज रिटेन along with या फिर written in parenthesis, ये word standard normally use किया जाता है। parenthesis का मतलब basically हो गया bracket की बात कर हम लोग, bracket के अंदर लिख रहे हैं इस चीज को, parenthesis और bracket along with their position, with their position, along with their position का मतलब position वाले part को mention किया सबसे शुरुआत में, ऐसा लिख देते हैं, और इसके बाद एक ब्रैकेट के अंदर हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख रहे होते हैं। तो बेसिकली है सब्स्टिट्यूएंट ही तो पोजीशन के साथ लिखेंगे लेकिन एक ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, पहला चीज। दूसरा रूल जो हम लोगों को ध्यान रखना होता है इस केस में, इन केस ऑफ रिपीटेशन, मतलब अगर हम लोगों का कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का रिपीटेशन हुआ ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, तब इस केस में हम लोग डाई ट्राई टेट्रा वर्ड यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग डाई ट्राई टेट्रा के जगह पे दो वाले पार्ट के लोग बेस वर्ड यूज करते हैं। अगर तीन हुआ तब उस केस में ट्रिस वर्ड यूज करते हैं। अगर चार बार रिपीटेशन हुआ तब उस केस में हम लोग टेट्रा किस वर्ड यूज करते हैं। पांच बार अगर वर्ड होता है तब उस केस में ये पार्ट रहेगा, मतलब जैसे टेट्रा है तो इस टेट्रा के जगह पे हम लोग पेंटा वर्ड यूज कर लेंगे और टोटल नाम पेंटा केस हो जाएगा। तो अगर छह रहेगा तो हेक्सा केस, इस टाइप से आगे नाम मेंशन कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली टू और थ्री रिपीटेशन ही कंसिडर किया जाता है, उसके आगे तक का सवाल नॉर्मली दिया नहीं जाता है। मतलब जो हम लोग डाई ट्राई टेट्रा यूज कर रहे थे उस डाई ट्राई टेट्रा के जगह पे अब बेस ट्रेस वर्ड यूज करना शुरू करेंगे। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, जैसे मेंशन किया था तुम लोगों को पॉइंट कि अगर हम लोग का एक सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है तो डाई ट्राई टेट्रा एक पोजीशन को शो कर रहा है, तो इस वजह से उसको हम लोग एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करते हैं। लेकिन हम लोगों का जैसे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जब आएगा तो नंबर को ये बेस ट्रेस वाला पार्ट यूज कर रहा है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की इस पोजीशन पे है, इस चीज को हम लोग आराम से पोजीशन में तो मेंशन कर रहे हैं और कितने नंबर में है इसको बेस ट्रेस से यूज कर रहा है। तो हम लोग बेस ट्रेस को कभी भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मेंशन नहीं करेंगे, बेस ट्रेस ईटीसी मतलब बाकी नीचे का पार्ट आर नॉट कंसिडर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। लेकिन इस चीज में ध्यान रखना, इसमें साथ ही साथ ये पॉइंट ध्यान रख सकते हैं और ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, डाई ट्राई टेट्रा ईटीसी ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट
आर कंसिडर्ड फॉर अल्फाबेटिकल ऑर्डर. इसका मतलब क्या बता रहे हैं, जैसे अगर एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में डाइट्राइडेट रहा है तो पोजीशन को मेंशन कर रहा है, मतलब कितने बार एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर एक पार्टिकुलर पार्ट रिपीट हुआ है, इस चीज को मेंशन कर रहा है, लेकिन वो पूरे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के नाम का पार्ट बन जाता है. तो वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कितने बार रिपीट हुआ इसको नहीं दिखा रहा, उस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर कोई एक पार्टिकुलर एंटिटी कितने बार रिपीट हो रहा इस चीज को दिखा रहा है. तो पूरे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का पार्ट है, इसलिए डाइट्राई वाले पार्ट को हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के केस में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर करना शुरू करते हैं. इस एक चीज का ध्यान रखना होता है. बाकी पॉइंट ये है कि सर इतना सारा रूल तो लिखवाए कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, बट नोमेनक्लेचर कैसे करें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का. तो नोमेनक्लेचर में हम लोग बस एक पॉइंट का ध्यान रखते हैं. जैसे हम लोग अल्कीन अल्कीन अल्काइन का नोमेनक्लेचर किए, एग्जैक्टली सेम टाइप से नोमेनक्लेचर होगा. तो नोमेनक्लेचर ऑफ या फिर नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आर रिटन सिमिलर टू अल्कीन और या अल्केन अल्कीन अल्काइन बट द कार्बन अटैच्ड पहला पार्ट द कार्बन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड विथ द पेरेंट चेन becomes carbon one. मतलब अल्केन में जो नंबरिंग कर रहे थे उसमें तो हम लोग कुछ रूल्स फॉलो कर रहे थे कि इस साइड से सब्स्टिट्यूएंट या इस साइड से सब्स्टिट्यूएंट, या अल्कीन में भी सेम टाइप का चीज. यहाँ पे ऐसा रूल नहीं है नंबरिंग का. जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होगा वो बेसिकली एक कार्बन चेन ही होगा, तो उस कार्बन चेन में नंबरिंग वैसे ही करना है, मतलब नंबरिंग करना ही करना है. लेकिन नंबरिंग यहाँ सिंपल है, जो कार्बन पेरेंट चेन से अटैच होगा उस कार्बन को ही कार्बन नंबर वन बोलेंगे, वहीं से चेन को हम लोग शुरू करके आगे तक लेके जाएंगे. ये चीज एक थोड़ा चीजों को सिंपल कर देता है, पहला चीज. और दूसरा, जो नाम होगा लास्ट में उस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में, जैसे मान लो प्रोपेन होता, अल्केन के जैसा ग्रुप है तो प्रोपेन होता, तो प्रोपेन वाले पार्ट में प्रोपाइल, इसको लिख भी नहीं रहे हम, इसको याद ही रख सकते हैं. अगर अल्केन के जैसा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो अल्केन होता, तो क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है तो अल्केन में वर्ड हम लोग अल्केन को हटा करके अल्काइल कर देंगे, बेसिकली एन को हटा के आइल कर देंगे. अगर अल्कीन होता तो लास्ट में हम लोग अल्किनाइल वाला पार्ट यूज कर लेते हैं, अगर अल्काइन होगा तो अल्काइनाइल वाला पार्ट यूज करके काम करेंगे. ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के नोमेनक्लेचर का पार्ट होता है. पहले दो तीन एग्जांपल मेंशन करेंगे, फिर तुमको अपने आप इसे समझ में आ जाएगा. जैसे मान लो कि चलो यही एग्जांपल है, सिंपल सा एग्जांपल ये. इस कंपाउंड में मान लो ऐसा कंसिडरेशन ले लेते हैं, ताकि डिफरेंसेस दिखाई दे तुम लोगों को. चलो ठीक है, छोटा सा कंपाउंड है. इस केस में हम लोग नंबरिंग वाला पार्ट करते हैं, नोमेनक्लेचर करना शुरू करते हैं. तो सबसे पहला काम क्या है, छोटा सा कंपाउंड है, बहुत छोटा कंपाउंड है ये. मतलब एक्चुअल में नोमेनक्लेचर के हिसाब से छोटा कंपाउंड है. तुम लोगों के वर्कशीट में देखना, पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन इसके रिस्पेक्ट में काफी बड़ा है. तो सबसे पहला काम पेरेंट चेन डिसाइड करना है. तो अल्केन तो है नहीं, ये अल्कीन अल्काइन का पार्ट है, तो पेरेंट चेन डिसाइड करते वक्त हम लोग उस चेन को सिलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम अनसैचुरेशन हो. तो ये पेरेंट चेन बन गया, और इस पेरेंट चेन से जो भी ग्रुप डायरेक्टली अटैच होंगे, इसलिए तुम लोग को ये हैबिट डेवलप करने बोल रहे थे कि हमेशा नोमेनक्लेचर वाले पार्ट को करते वक्त सब्स्टिट्यूएंट को बॉक्स में क्लोज कर लिया करो, ताकि सब्स्टिट्यूएंट क्लियरली दिखाई दे. तो एक सब्स्टिट्यूएंट क्लोरीन दिख गया, दूसरा ये पूरा का पूरा ग्रुप दिख रहा है. तो अब एक चीज देखो, पेरेंट चेन से एक कार्बन चेन अटैच्ड है, बट उस कार्बन चेन में क्लोरीन वापस से अटैच्ड है, मतलब एक और वापस से कुछ और एक्स्ट्रा ग्रुप प्रेजेंट है. इसका मतलब बेसिकली इस पूरे पार्ट को हम लोग एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बोलते हुए काम कर सकते हैं, पहला पार्ट. फिर उसके बाद यहाँ पे भी एक कार्बन अटैच्ड है जिसपे दो ग्रुप्स अटैच्ड हैं, तो इस केस में ये भी पार्ट एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा. और उसके बाद नीचे में भी एक कार्बन चेन अटैच्ड है, और यहाँ वाले पार्ट में भी एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्लोरीन अटैच्ड है. तो ओवरऑल क्लोरीन सिंपल सब्स्टिट्यूएंट हो गया.
फिर उसके बाद यहाँ वाले पार्ट में कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया, उसके पार्ट में ये भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है और इधर भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। तो इस केस में टोटल अपने पास चार सब्स्टिट्यूएंट में तीन कॉम्प्लेक्स और एक सिंपल वाला पार्ट है। अब नोमेनक्लेचर कैसे करें, तो पहले हम एक काम करते हैं, अपना नॉर्मल नंबरिंग वाला पार्ट करते हैं। तो जब नॉर्मल नंबरिंग करेंगे, एक काम करते हैं, नंबरिंग भी आसान कर देते हैं तुम लोगों के लिए। अभी मान लो ऐसा दे रखा, मान लो ये कंपाउंड दे रखा, तो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंड रूल से नंबरिंग हो जाएगा। अगर लेफ्ट साइड से जाएंगे तो वन पोजीशन प्लस उधर जो भी है वो कम पोजीशन आ रहा, तो यहाँ पे वन आएगा और यहाँ पे मान लेते हैं कि एक्स आएगा, जबकि दूसरे साइड जाने पे यहाँ पे टू आएगा, तो यहाँ वाले पार्ट में एक्स प्लस वन टाइप का कुछ वैल्यू आएगा। तो इस केस में डेफिनेटली ऊपर वाला नंबरिंग करने का कोई फॉलो करने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टेन का कार्बन चेन ऐसा बोल सकते हैं। दस का कार्बन चेन अगर है तो कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में हम लोग पहले तो डेकियन वर्ड यूज, डेक वर्ड यूज करेंगे। डेक के एट पोजीशन पे इन है तो एट इन, और फर्स्ट पोजीशन पे आइन है तो वन आइन। ये अपना पहले तो रूल हो गया, पेरेंट चेन का नोमेनक्लेचर इंक्लूडिंग अनसैचुरेशन कवर हो गया। अब उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं, तो थर्ड पोजीशन पे सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका नाम लिख देते हैं पहले, थ्री क्लोरो। इसके बाद क्या है, तो फोर्थ पोजीशन पे जो ग्रुप है उसको हम नीचे मेंशन करते हैं। तो फोर्थ पोजीशन पे स्क्रीन रुक गया, मेरा स्क्रीन रुका तो नहीं है, तुम्हारा नेट रुक गया। दिखाई दे रहा है स्क्रीन? और अगर नहीं दे रहा तो एक बार नेट डिस्कनेक्ट करके मतलब वापस से डिस्कनेक्ट करके करो, ठीक है? तो जैसे इस केस में मान लो ये फोर्थ नंबर वाले ग्रुप की बात करते हैं, जैसे ग्रुप नंबर मेंशन कर देते हैं वन टू थ्री और फोर, तो सब्स्टिट्यूएंट नंबर टू की बात करते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट नंबर टू वाले पार्ट में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दे रखा है, कार्बन कार्बन और यहाँ पे क्लोरीन, और ये जो कार्बन है ये एक पेरेंट चेन से अटैच्ड है। तो इस केस में पेरेंट चेन से जो कार्बन चेन अटैच्ड है वो अल्केन का कार्बन चेन दिख रहा है। मतलब मान लो ये नहीं होता तो नॉर्मल एक अल्केन के जैसा ग्रुप था बेसिकली, तो अल्केन के जैसा ही नोमेनक्लेचर करेंगे हम लोग, कोई डिफरेंस नहीं यहाँ पे। बस एक छोटा सा पार्ट ये कि पेरेंट चेन से जो भी कार्बन अटैच्ड है यहाँ कार्बन नंबर वन बनेगा ही बनेगा, चेन यहीं से शुरू करेंगे हम लोग हमेशा, ये कार्बन चेन का पार्ट बनेगा ही बनेगा उस सब्स्टिट्यूएंट के अंदर। तो जब चेन यहाँ से शुरू करेंगे तो खैर जिंदगी आसान है, यहाँ पे दो का कार्बन चेन है, तो कार्बन नंबर वन कार्बन नंबर टू पे क्लोरीन दिख रहा हम लोगों को। तो अगर एक अल्केन होता, जैसे मान लो ये कंपाउंड होता और बोलते इसका नोमेनक्लेचर करो, बस नंबरिंग हम लोगों को नहीं मालूम, मान लो कि नंबरिंग का रूल भूल जाए कुछ देर के लिए, बोले कि हाँ ऐसा ऐसा नंबर दे दिया, बताओ इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, तो इसके नोमेनक्लेचर को हम लोग आराम से टू क्लोरो और इथेन लिख सकते थे। तो ये हम लोग के नंबरिंग के साथ नोमेनक्लेचर हो जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ओवरऑल पूरा का पूरा, तो इस केस में टू क्लोरो इथेन नहीं लिखेंगे, ये इथेन वाले पार्ट में इसको हटा करके हम लोग आइल लिखा करेंगे, क्योंकि ये खुद भी एक सब्स्टिट्यूएंट है। और टू क्लोरो इथाइल वाला जो पार्ट होगा, कि कार्बन नंबर हम लोग को फोर पे मिल रहा था बेसिकली, तो कार्बन नंबर अगर फोर पे ग्रुप मिल रहा तो इस केस में हम लोग इस ब्रैकेट के बाहर आराम से फोर लिखते हुए काम कर सकते हैं। तो फोर के बाद टू क्लोरो इथाइल ऐसा मेंशन कर सकते हैं। मान लो सब्स्टिट्यूएंट नंबर थ्री की बात करते हैं, तो एक कार्बन जिसपे दो क्लोरीन दे रखा तो उसको भी नीचे मेंशन कर लेते हैं। एक कार्बन है जिसके ऊपर दो क्लोरीन है और कार्बन वाला पार्ट पेरेंट चेन से अटैच्ड है, तो इस केस में पेरेंट चेन से एक ही कार्बन अटैच्ड है, तो एक कार्बन मतलब मिथेन है, मिथेन में नंबरिंग दो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि और कहीं जा ही नहीं सकते, मिथाइल है तो एक ही कार्बन होना है बाय डिफॉल्ट, तो इसमें पोजीशन देने की भी जरूरत नहीं होती है। बट इसमें दो क्लोरीन है तो इस केस में हम लोग आराम से डाई क्लोरो लिख सकते थे, और डाई क्लोरो वाले पार्ट के साथ मिथेन नोमेनक्लेचर होना चाहिए था, बट क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है तो और डाई क्लोरो मिथाइल में ये क्लोरीन का पोजीशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिथाइल अगर होगा तो एक ही कार्बन है, क्लोरीन उसके अलावा और कहीं जा ही नहीं सकता। तो अगर ये मिलता है 1.1 डाई क्लोरो मिथाइल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर ये नहीं भी रहता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और इस केस में ये पूरा जो ग्रुप था ये कार्बन नंबर सिक्स पे अटैच था, तो ब्रैकेट में यहाँ पे आराम से सिक्स लिख सकते हैं। फिर इसके बाद नीचे वाला जो ग्रुप है अगर इसको कंसिडर करें, तो दो कार्बन और पहले कार्बन पे क्लोरीन दिख रहा है जो पेरेंट चेन से अटैच है, तो इसका मतलब ऐसा कुछ ग्रुप है, दो कार्बन और यहाँ क्लोरीन वाला पार्ट और ये कार्बन पेरेंट चेन से अटैच है, तो पेरेंट चेन से अटैच कार्बन कार्बन नंबर वन बन जाएगा, और यहाँ से हम लोग पेरेंट चेन को अगर खींचे ऐसा तो वन नंबर पे क्लोरीन है बेसिकली। तो इस केस में वन पोजीशन पे क्लोरीन है तो वन पे क्लोरो, और उसके अलावा दो का कार्बन चेन मतलब इथेन, तो इथेन से इथाइल लिख दिए, और ये पूरा ग्रुप है अपने कार्बन नंबर सिक्स पे ही, तो इस केस में आराम से यहाँ पे सिक्स ले सकते हैं।
तो इन तीनों पार्ट में अगर हम लोग नंबरिंग करना शुरू करें तो जैसे यहाँ देखो, यहाँ डाइक्लोरो है, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के नाम में डाइक्लोरो है, वो ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस पूरे कंपाउंड के अंदर दो क्लोरीन है, तो इस डाई ट्राइटेट्रा को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर करेंगे हम लोग। तो इस पूरे पार्ट में डाई क्लोरो वाले पार्ट का डी हो गया अल्फाबेटिकल ऑर्डर, क्लोरोइथाइल का सी हो गया अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और ऊपर वाले पार्ट में क्लोरोइथाइल का सी हो गया और यहाँ पे भी सी हो गया। अब पॉइंट ये है कि जैसे हम लोग सारे ग्रुप्स को जब अरेंज करना शुरू करें तो सबसे पहले कौन सा आएगा, तो सी सी डी और यहाँ वाले पार्ट में सी, तो सबसे लास्ट में तो डाई क्लोरो वाले पार्ट का ग्रुप आएगा, बट क्लोरो के बाद कुछ नहीं है। तो अगर हम लोग डिक्शनरी देखते हैं तो जैसे होता है ना कि नेक्स्ट लेटर देखते हैं, क्या करते हैं फिर नेक्स्ट लेटर देखते हैं अगर स्ट्रीम होगा। हाँ चलो ठीक है, जैसे मान लो बैच पहले आता है फिर बैट्समैन, हाँ वही चीज, बैच पहले आता है और उसके बाद फिर हम लोग बैच मेट वर्ड यूज करते हैं, तो बैच के बाद मेट, अगर मतलब इसके बाद कुछ भी आया तो थोड़ा बाद में आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो क्लोरो पहले आएगा, फिर क्लोरो के बाद अगर कुछ भी आया तो डेफिनेटली पहले क्लोरो को डालेंगे सबसे पहला पोजिशन, फिर उसके बाद क्लोरोइथाइल, क्लोरोमिथाइल और यहाँ पे भी क्लोरोइथाइल, अब दो जगह क्लोरोइथाइल है, तब क्या करें? तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में ये जो पोजीशन है फिर इस चीज को हम लोग फॉलो अप ले सकते हैं आराम से, क्योंकि यहाँ पे वन क्लोरोइथाइल है और यहाँ वाले पार्ट में टू क्लोरो, तो इस केस में पहले हम लोग ये वन वाले पार्ट को पुट अप कर लेंगे। इस पोजीशन से हम लोग को मतलब नहीं है क्योंकि इस पोजीशन वाले पार्ट को हम लोग पहले भी कहीं यूज नहीं किए थे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पूरे नाम को यूज करेंगे, लेकिन ये लास्टली यूज करेंगे। इस तरह का सवाल हम भी नॉर्मली कभी नहीं देखते हैं कि ऐसा कुछ क्वेश्चन होता है जहाँ पे इसके पोजीशन के हिसाब से काम करना होता है, लेकिन अगर रहा तो यहाँ के पोजीशन में टू और यहाँ वाले पोजीशन में वन, तो इस केस में हम लोग का ये पार्ट पहले आ रहा इसलिए इस चीज को हम लोग पहले फॉलो करेंगे। तो इस केस में हम लोग का वन क्लोरोइथाइल वाला पार्ट पहले जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग का ये टू क्लोरोइथाइल वाला पार्ट बाद में जाएगा, और इसके बाद फिर हम लोग डाई क्लोरोमिथाइल वाले पार्ट को आराम से पुटअप कर सकते हैं। तो नोमेनक्लेचर में ये हम लोग का अल्फाबेटिकल ऑर्डर आराम से निकल के आ जाएगा। तो नोमेनक्लेचर में तुम लोग को ये चीज समझ में आया होगा कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, तो बस सिंपल अल्केन अल्कीन अल्काइन जो भी दिया उसका नॉर्मल नोमेनक्लेचर देखो, बस एक जिंदगी आसान ये चीज है यहाँ पे कि कार्बन नंबर वन कौन सा होगा जो पेरेंट चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है, वहीं से चेन शुरू करके जहां तक ले जाना है वहां तक लेके जाओ, कोई तकलीफ की बात नहीं है, ठीक है, इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना। इसमें और एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे मान लो ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करके देखो, वैसे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दे रहे तुम लोग इस बार, और इस चीज का ध्यान रखना अगर डबल बॉन्ड वाला पार्ट मतलब अल्कीन वाला पार्ट अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के जैसा है, तो जैसे अल्कीन का नोमेनक्लेचर अगर जैसे ये पार्ट में ध्यान दो थोड़ा, जैसे यहाँ कार्बन नंबर वन ये होता है पेरेंट चेन के बाद, तो इस केस में जब हम लोग नोमेनक्लेचर लिखेंगे तो तीन का कार्बन चेन मतलब प्रॉप टू इन होना चाहिए था, तो इस केस में प्रॉप टू इनाइल वर्ड यूज करेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में, मतलब जैसा नॉर्मल अल्कीन का नोमेनक्लेचर होना चाहिए कार्बन नंबर वन मानते हुए, जो कार्बन पेरेंट चेन से अटैच्ड उसको कार्बन नंबर वन मानते हुए, इस एक चीज का नॉर्मल रूल ध्यान रखना है थोड़ा। और कुछ बचा इसमें? नहीं, ठीक है चलो ट्राई करो। Mm-hmm.
इसमें तो मेरे हिसाब से किसी को कोई दुविधा नहीं होना चाहिए, पेरेंट चेन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। और इसके बाद अगर हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का नंबरिंग करना शुरू करें या नोमेनक्लेचर, तो 2 पे फ्लोरो, फिर उसके बाद 4 पे क्लोरो, फिर उसके बाद 5th पोजीशन पे हम लोगों के 2 प्रोपिनाइल, ऐसा भी वर्ड यूज कर सकते हैं 2 प्रोपिनाइल, या फिर अगर चाहे तो 2 प्रोपिनाइल के जगह पे प्रोप 2 इनाइल, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोप 2 इनाइल। फिर उसके बाद 6 नंबर वाले पार्ट पे 1, 2, 3, 4 और सेकंड नंबर वाले पार्ट पे मिथाइल, तो 6 नंबर पे सेकंड पोजीशन पे हम लोगों के मिथाइल है बेसिकली, और मिथाइल वाला पार्ट ब्यूटेन वाले कार्बन चेन पे, मतलब मिथाइल ब्यूटाइल। उसके बाद 7 और 8 नंबर पे सेम ग्रुप है, और इस कंपाउंड वाले पार्ट में 7 पोजीशन और 8 पोजीशन पे सेम ग्रुप है, तो इस केस में हम लोग यहाँ पे जब सेम ग्रुप है तो बिस वर्ड यूज करेंगे, और बिस के बाद डैश देंगे क्योंकि डाई के आगे पीछे, मतलब सॉरी बिस के बाद यहाँ पे ब्रैकेट में ही हम लोग लिख करके काम करेंगे इस चीज को कंपाउंड वाले पार्ट में, तो इसलिए हम लोग नॉर्मली यहाँ पे डैश देकर के काम कर सकते हैं। तो इस केस में बिस वाले पार्ट में 2 कार्बन और 1 पोजीशन पे क्लोरीन है, तो इस केस में 1 पोजीशन पे क्लोरो और 2 का कार्बन चेन है मतलब इथाइल, ऐसा कंपाउंड का नोमेनक्लेचर बोल सकते हैं, जिसमें अल्फाबेटिकली फ्लोरो का एफ, क्लोरो का सी, प्रोपिनाइल का पी, मिथाइल का एम और क्लोरो का सी। तो पहले तो क्लोरो आएगा, तो यहाँ क्लोरो है, यहाँ क्लोरो इथाइल है, इसका मतलब पहले सिंपल क्लोरो आएगा, फिर उसके बाद फिर हम लोग का क्लोरो इथाइल जाएगा, फिर उसके बाद एम एन ओ पी, पहले एफ वाला पार्ट आएगा, फिर उसके बाद हम लोगों का एम वाला पार्ट मतलब मिथाइल ब्यूटाइल आएगा, और सबसे लास्ट में हम लोगों का प्रोपिनाइल वाला पार्ट आराम से मेंशन कर सकते हैं। इसलिए तुम लोगों को बोला है कि नॉर्मली एरो लिख के काम क्या करना, क्योंकि क्वेश्चन अगर आएगा तो मतलब ये बड़ा ही नॉर्मल केस है, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन में ये तरह का केस बहुत नॉर्मल केस है, हो सकता है इससे सिंपल क्वेश्चन हो बस 2 सब्स्टिट्यूएंट हटा देगा, लेकिन इस तरह के एक नॉर्मल सिनेरियो है, तो इसीलिए एरो वाला पार्ट का के हिसाब से काम करना, अगर किसी पार्ट में इसमें दिक्कत है तो आराम से पूछ सकते हैं, क्योंकि हम इसमें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर बताया नहीं, बट अगर दिक्कत है तो आराम से पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सप्लेन कर देंगे। सर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन से एलिमिनेट करके बनाएंगे ना, बेटर होगा, बेटर बेटर नोमेनक्लेचर में सीधा ऑप्शन के हिसाब से ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, क्योंकि उसमें इतने परमुटेशन कॉम्बिनेशंस में ना बहुत कम ही पॉसिबिलिटी, उसमें पहले तो पेरेंट चेन के हिसाब से एक गलती होगा, फिर उसके बाद पेरेंट चेन के बाद सब्स्टिट्यूएंट के नंबर से एक गलती होगा, तो उसके हिसाब से आंसर ऐसे ही एलिमिनेट करके आंसर बना सकते हैं, लेकिन हाँ ठीक है, सब्जेक्टिवली क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए, अभी ऑब्जेक्टिव अप्रोच मत सीखना, ऑप्शन के हिसाब से ही एलिमिनेट करना क्वेश्चन, तुम लोगों को बोला भी था कि नोमेनक्लेचर में क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन में नजर रखना, ये ऑप्शन एलिमिनेट किया, ये एलिमिनेट किया, ये एलिमिनेट किया, ये एलिमिनेट किया, आंसर एक अपने आप, सॉरी 4 तो एलिमिनेट नहीं करेंगे, 3 एलिमिनेट किया, आंसर पे अपने आप पहुंच जाएंगे, वो ज्यादा सुटेबल तरीका होगा इस टॉपिक में। और कोई डाउट किसी को, कुछ भी परेशानी? चलो अगर नहीं है परेशानी तो कुछ हम लोग और भी पार्ट का मेंशन करते हैं नाम, जैसे सम स्पेसिफिक नेम या फिर सम कॉमन नेम्स की बात कर सकते हैं, स्पेसिफिक ही वर्ड यूज कर लेते हैं, जैसे एक तो ये पार्ट हम लोग एन वर्ड लगाया करते हैं, एन अल्काइल, ये कॉमन नेम के पार्ट को लिखने का तरीका होता है, जैसे अगर मान लो कि एक ब्यूटेन वाला पार्ट है, और ब्यूटेन का बेसिक मतलब होता है कि पेरेंट चेन से ये कार्बन चेन अटैच्ड हो, ऐसा, तो जब एक नॉर्मल ब्यूटेन टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा तो ये एन वाला पार्ट लगाया जाता है, एन वाले पार्ट का मतलब हो गया नॉर्मल, तो इस केस में हम लोग नॉर्मल वर्ड लगा के भी कॉमन नेम मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे नॉर्मल ब्यूटाइल या फिर एन ब्यूटाइल, इसको लिखने का तरीका होगा कि पेरेंट चेन से एक सिंपल
चार का कार्बन चेन वाला पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये नॉर्मल ब्यूटाइल या एन ब्यूटाइल लिख करके आराम से काम कर सकते हैं, पहला चीज। दूसरा तरीका जो अपने को, जैसे मान लो एन प्रोपाइल लिखना है, तो एन प्रोपाइल का मतलब पेरेंट चेन से एक नॉर्मल प्रोपाइल टाइप का कार्बन चेन अटैच होगा, तो उसको हम लोग एन प्रोपाइल बोल सकते हैं। फिर दूसरा पार्ट हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं सेक, सेक अल्काइल। सेक अल्काइल वाला पार्ट ऑलमोस्ट इस टाइप का चीज है, जैसे अगर मान लो उसी ब्यूटेन वाले पार्ट में इस सेकेंड वाले कार्बन पे पेरेंट चेन अटैच होता, या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वो अपने मन पे ओरिएंटेशन कि इस तरीके का पार्ट होता, तो है तो ये ब्यूटेन वाला पार्ट, लेकिन इस ब्यूटेन वाले पार्ट का जो सेकेंडरी कार्बन है, वो सेकेंडरी कार्बन वाला पार्ट हम लोगों के पेरेंट चेन से अटैच है, तो इस चीज को हम लोग सेक लिखेंगे, बट पूरा को हम लोग एक चार का कार्बन चेन ही कंसिडर करेंगे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सेक ब्यूटाइल वर्ड ही कॉमन नेम के जैसा यूज कर सकते हैं, सेक का मतलब सेकेंडरी हो गया बेसिकली। इसमें वैसे हम लोग जैसे सेकेंडरी प्रोपाइल वर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे मान लो कैसा है कि ये स्ट्रक्चर दे रखा, तो सेक प्रोपाइल वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन पेंटाइल यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, उसके पीछे एक रीजन है। जैसे मान लो पांच का कार्बन चेन है, तो इस पोजीशन पे अगर पेरेंट चेन रहा तो भी ये सेकेंडरी हो गया, और अगर इस पोजीशन पे पेरेंट चेन रहा तो भी ये सेकेंडरी कार्बन है, तो सेकेंडरी कार्बन एग्जैक्टली किसको बोलेंगे नहीं मालूम, तो इस केस में लोग सेकेंडरी वर्ड यूज नॉर्मली नहीं किया करते हैं। फिर उसके बाद सेकेंडरी, जैसे नॉर्मल के बाद सेकेंडरी हो गया, तो सेकेंडरी के बाद हम लोग टर्ट वर्ड यूज कर सकते हैं, टर्ट अल्काइल, और टर्ट अल्काइल वाले पार्ट का मतलब हो गया टर्शरी अल्काइल। तो टर्शरी अल्काइल में प्रोपाइल नहीं हो सकता, क्योंकि पेरेंट चेन से जो कार्बन अटैच होना चाहिए वो टर्शरी कार्बन होना चाहिए, तो टर्शरी कार्बन का मतलब कार्बन से तीन कार्बन से अटैच होने चाहिए, तो बिना चार कार्बन की ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो पूरा ग्रुप जो है वो चार कार्बन का, इसका मतलब ब्यूटाइल, लेकिन इसका थ्री डिग्री वाला कार्बन अटैच है, तो इस चीज को हम लोग आराम से सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलते, सॉरी टर्शरी या टर्ड ब्यूटाइल आराम से बोल सकते हैं। लेकिन एक और भी पॉसिबिलिटी है, एक और तरीका पॉसिबल है, मान लो कि ऐसा स्ट्रक्चर रहा, तो पहले क्या किया हम लोग कि चार के कार्बन चेन में ये पॉसिबिलिटी कंसिडर किया, दूसरा पार्ट ये कंसिडर किया, तीसरा पार्ट ये भी कंसिडर कर लिया, तो एक और पॉसिबिलिटी बच जाता है, ये चीज है तो ये वन डिग्री कार्बन, लेकिन वन डिग्री कार्बन वाला पार्ट के ऊपर मिथाइल ग्रुप नहीं है, किसी और जगह चला गया, इसका नोमेनक्लेचर कुछ और तरीके से किया जाता है, यहाँ पे हम लोग आइसो वर्ड यूज करते हैं, आइसो अल्काइल, और इसको लिखने का तरीका नॉर्मली ऐसा होता है, एक छोटा सा तरीका है बेसिकली, पेरेंट चेन से अटैच्ड कार्बन के अपोजिट एंड पे चले जाओ, जो पेरेंट चेन से अटैच्ड कार्बन के अपोजिट एंड पे चले जाओ और उसके पहले कार्बन को देखो, या फिर बेसिकली पेरेंट चेन के अपोजिट एंड के सेकेंड लास्ट कार्बन को देखो, अगर वहां पे एक मिथाइल ग्रुप है तो हम लोग आइसो वर्ड यूज करेंगे, बट ग्रुप पूरे को एक सिंगल यूनिट के जैसा लेते हुए चलेंगे, तो आइसो लगा के हम लोग चार का कार्बन चेन मतलब ब्यूटाइल बोल सकते हैं। जैसे अगर मान लो कि हम लोग आइसो पेंटाइल लिखना होता, तो ऐसा स्ट्रक्चर आराम से कंसिडर किया जा सकता है, इस चीज को हम लोग आइसो वर्ड नॉर्मली बोला करते हैं। और इसी में एक और मॉडिफिकेशन है जिसको हम लोग नियो लिखा करते हैं, नियो अल्काइल। अगर ऐसा कंसिडरेशन हुआ, पेरेंट चेन से अपोजिट एंड के जस्ट पहले वाले कार्बन पे अगर दो CH3 ग्रुप है, तो इस चीज में हम लोग वर्ड नियो लगाया करते हैं, और फिर पूरे ग्रुप को काउंट करो, तो पांच कार्बन दिख रहा, अगर पांच कार्बन दिख रहा तो आराम से हम लोग नियो पेंटाइल ग्रुप वर्ड मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो ये कुछ नोमेनक्लेचर है, सेक ब्यूटाइल, टर्ड ब्यूटाइल, नियो ब्यूटाइल, या सॉरी नियो पेंटाइल, नियो में ब्यूटाइल नहीं हो पाएगा, नियो पेंटाइल या फिर आइसो ब्यूटाइल, और उसके अलावा एन, इस तरह के चार पांच नाम कॉमन तरीके से होते हैं जो ध्यान रखने होंगे। और तुम लोगों को नोमेनक्लेचर का एक लिस्ट देंगे जिसमें काफी सारे कॉमन नेम है कंपाउंड्स के, उन लिस्ट को थोड़ा ध्यान रखना होगा। हाँ, फंक्शनल ग्रुप वाले पार्ट में भी नोमेनक्लेचर होगा कॉमन, मतलब उसमें पूरे कंपाउंड्स, मतलब नोमेनक्लेचर में जितने कंपाउंड्स से कॉमन नेम तुमको ध्यान रखने हैं, उन सारे के सारे कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर वाले पार्ट हम लोग मेंशन कर लेंगे, ठीक है, वो लिस्ट में याद रखना होगा। एक तो ये पार्ट हो गया, और दूसरा ये सवाल पूछा था अनूप, जैसे मान लो ऐसा एक स्ट्रक्चर दे रखा है, ये पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन से एक अल्कीन का कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अटैच्ड है, लेकिन ये पेरेंट चेन का पार्ट नहीं है,
तो नॉर्मली हम लोग का कन्वेंशन क्या होता है कि अगर हम लोग का एक डबल बॉन्ड है तो कार्बन वन अगर ये है तो टू नंबर पे भी डबल बॉन्ड होगा, लेकिन अगर जैसा एक्सप्लेन किया था कि फाइव नंबर अगर ये है तो सिक्स नंबर आगे बढ़ जाएगा जबकि डबल बॉन्ड तो ऊपर चला गया, तो ये भी पेरेंट चेन से अटैच सब्स्टिट्यूएंट है, बट जो डबल बॉन्ड है उसका पोजीशन फिक्स है कि उसका पोजीशन हमेशा पेरेंट चेन वाले ही कार्बन से अटैच होना चाहिए। तो इस तरह के केस में जब हम लोग का सब्स्टिट्यूएंट ऐसा रहेगा डबल बॉन्ड सी एच आर ग्रुप, तो यहाँ पे ये कार्बन चेन को पूरा मतलब आर प्लस कार्बन इसको कंसिडर करते हुए हम लोग नाम अल्काइलिडीन वर्ड यूज करते हैं, और इसमें अल्काइल वाले पार्ट में R प्लस कार्बन ये पूरा पार्ट को एज अ कार्बन चेन कंसिडर करेंगे अल्काइलिडीन। जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर होता तो इस स्ट्रक्चर वाले पार्ट में दो का कार्बन चेन है, इसका मतलब आराम से इथाइलिडीन वर्ड यूज करेंगे। अगर मान लो डबल बॉन्ड सी एच और सी थ्री एस सेवन दे रखा तो चार कार्बन है टोटल, तो चार कार्बन का मतलब हो गया हम लोग ब्यूटाइलिडीन वर्ड आराम से मैंशन कर सकते हैं। बट इसमें भी एक पार्ट एक्स्ट्रा ध्यान रखते हुए काम करना है, क्योंकि हम लोगों का मिथीन जैसा कुछ नहीं होता, तो अगर ये ग्रुप दे रखा होगा ये सी एच टू वाला पार्ट कि डबल बॉन्ड के साथ सी एच टू दे रखा, तो इस केस में हम लोग अल्काइलिडीन वर्ड यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे हम लोग नाम में मिथाइलिन वर्ड यूज करते हैं। तो अगर डबल बॉन्ड पेरेंट चेन से डायरेक्टली अटैच्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट तो उस केस में अल्काइलिडीन वर्ड यूज करेंगे, और उस अल्काइलिडीन वाले पार्ट में हम लोग कार्बन में आर प्लस सी को टोटल कार्बन चेन मानते हुए अल्काइल का नाम डालेंगे इथाइलिडीन ब्यूटाइलिडीन, लेकिन अगर डबल बॉन्ड सी एच टू रहा तो मिथाइलिन वर्ड यूज करते हुए काम करेंगे। ये नोमेनक्लेचर का कुछ पार्ट अपने को ध्यान रखना होगा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के नोमेनक्लेचर के अलावा, मतलब है इसको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं बोलेंगे लेकिन एक स्पेसिफिक टाइप का सब्स्टिट्यूएंट बोल सकते हैं, इनका नोमेनक्लेचर बाकी जगह के रूल से थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। यहाँ तक के पार्ट में किसी को कोई परेशानी है तो पूछो, कोई भी दिक्कत है तो पूछ सकता है। तो अगर डाउट नहीं है तो हम लोग आज के लिए क्लास यहाँ पे एंड करते हैं, क्योंकि इसके बाद हम लोग का अगला नोमेनक्लेचर फंक्शनल ग्रुप होगा, वो इंटायरली नया टॉपिक है, तो अभी तो 10 मिनट तुम लोग को होमवर्क देने में निकल जाएगा आराम से होमवर्क में। हाँ अनु बोलो, कोई डाउट है सर? टेस्ट का एक क्वेश्चन बता दीजिए ना। बोलो कौन सा सर? आपको क्वेश्चन है नहीं मेरे पास, आपके पास है क्या क्वेश्चन पेपर? मेरे पास क्वेश्चन पेपर है एकदम, है एक मिनट, अरे हटो, स्क्रीन दिख रहा है तुम लोगों को? यस सर। ओके कौन सा क्वेश्चन भाई बताओ, सिंगल करेक्ट मल्टीपल करेक्ट? नहीं सर सिंगल करेक्ट ही था, लास्ट में था। तो देखते जाना क्वेश्चन, थोड़ा मैं स्क्रीन ज़ूम कर देते हैं, दिख रहा है बड़ा क्वेश्चन थोड़ा, क्या और बड़ा करें? दिख रहा है सर। ओके बोलते जाना कौन सा क्वेश्चन है। आज का ईमेल पे भी आता रिजल्ट? हाँ वो हम लोग के ऑप्शन में है सिलेक्ट करने का, उसमें और भी हम लोग कुछ कुछ इम्प्रूवमेंट करने वाले हैं, मतलब हम लोग को अपने हिसाब से पोर्टल में और जितना मॉडिफिकेशन चाहिए वो सब चीज़ आने वाला है। वीडियो सॉल्यूशन में हम लोग को बोले हैं कि वीडियो सॉल्यूशन तुम्हारे क्वेश्चन का हम लोग बनवा करके डाल देंगे, तो वो लोग करवाने वाले हैं। बट इसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ी हमको कि एक स्टार्टअप में क्या क्या चीज़ों का क्या क्या चीज़ें मैटर करती है, एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें पता चली हमको, बहुत बड़ी चीज़ है ये। वैसे मेरा भी मन कर गया कि ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाए, देखते जाना भी अनूप तुम। वैसे तुम में से कोडिंग किसको इसको आता है? सर बहुत कम आता है पाइथन में। ओके और जो मुझे भी बहुत कम जावा थोड़ा बहुत सीख रहे हैं, अभी सीख रहे हैं सर, पाइथन स्कूल में चल रहा है। ओके हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 15। हमको कोडिंग नहीं आता है, तुम में से किसी को हम बोलेंगे सिखाने के लिए, तुम्हारा जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना तो हम बोलेंगे हम सिखाओ हमको कोडिंग, नहीं सिखाया तो बहुत मार मारेंगे तुम लोग उस टाइम पे, हम तुमको सिखा रहे तो हमको सिखाएगा। अ गैस इज प्रेजेंट इन अ सिलेंडर फिटेड विद अ मूवेबल पिस्टन, अबव एंड बिलो द पिस्टन देयर इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, द वॉल्यूम अबव इज, एक सेकंड रुक जाओ
सर परसों आप बोले हैं 1 बजे केमिस्ट्री का क्लास है सर, तो शाम को भी है केमिस्ट्री का क्लास। दूसरा केमिस्ट्री का क्लास शायद से निहार सर का क्लास है। नहीं सर आप ही का है। नहीं आप ही मेरे नहीं तो शाम में शायद उसमें फिजिक्स का है। हां शाम में फिजिक्स का क्लास हो जाएगा उस दिन फिर। तो शाम में फिर मेरा क्लास नहीं होगा। कुंदन सर का शायद उस टाइम पे क्लास लगा हुआ था, टाइम टेबल में ध्यान नहीं दिए थे, तो शाम में फिर कुंदन सर का क्लास हो जाएगा। एक मिनट आई चलो जान दो। जैसे क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि a gas is present in a cylinder fitted with a movable piston above and below of the piston there is above and below bola iska matlab diagram kuch is type ka de raha hai shayad se above and below the of the piston there is equal number of moles of gas theek hai dono mein number of moles equal de rakha the volume above is 2 times the volume below at the temperature of 300 kelvin upar wale part ka volume double hai niche wale part ka volume ke respect mein aur at a temperature of 300 kelvin at what temperature will the volume will be 4 times the volume below to sir hum to diagram hi galat banaye the isme ek cheez humko samajh mein aa raha hai jaise piston jo hai uska khud ka bhi kuch mass hona chahiye to upar ka jo pressure hoga plus us pressure ke wajah se niche wale part mein jo bhi yahan pe force lagega उस एक चीज का भी हम लोग कंसिडरेशन लेके चलना है। मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया मान लेते हैं कि इसका P2 प्रेशर लगा, मतलब जो पिस्टन है उसे खुद के मास की वजह से भी कुछ प्रेशर लग रहा है नीचे के डायरेक्शन में, तो ये पिस्टन नीचे की तरफ है। बट जब इक्विलिब्रियम आएगा तो नीचे का प्रेशर और ऊपर का प्रेशर एट व्हाट टेम्परेचर विल द वॉल्यूम बी 4 टाइम्स द वॉल्यूम बिलो। नीचे वाले पार्ट का हम लोगों को वॉल्यूम 4 टाइम्स कर देना है, मतलब ऊपर वाले पार्ट का वॉल्यूम 4 टाइम्स कर देना, नीचे वाले पार्ट का वॉल्यूम V रखना है। तो ठीक है उसमें जब हम लोग प्रेशर को इक्वेट कर जाएगा सर। हाँ ठीक है, मतलब जब प्रेशर वाले पार्ट को इक्वेट करना है तो शुरुआत में ये प्रेशर वाला पार्ट कैसे इक्वेट हुआ, तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग आराम से कि नंबर ऑफ मोल्स वाला पार्ट तो दोनों में सेम है, टेम्परेचर वाला पार्ट 300 केल्विन के बराबर दे रखा, तो एन इज इक्वल टू हम लोग पी वी अपॉन आर टी लिख सकते हैं। तो चलो ठीक है पीवी अपॉन आरटी कर दिया। बट ऊपर वाले केस में जो हम लोग का प्रेशर है वो बेसिकली पी तो प्रेशर था ही और उसके अलावा एक्चुअली प्रेशर भी टोटल अलग ही है। वॉल्यूम वाला पार्ट तो चलो ठीक है ऊपर 2V के बराबर दे रखा, टेम्परेचर वाला पार्ट टी के बराबर दे रखा और नीचे वाले पार्ट में आर के बराबर वैल्यू लेके चल रहे हैं। नीचे वाले पार्ट में जो प्रेशर है वो एग्जैक्टली बराबर होना चाहिए, जब तक प्रेशर बराबर नहीं रहेगा तब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ रखा होगा। तो नीचे और ऊपर का प्रेशर हम लोग के पास बराबर निकल के आ रहा है, बट ऊपर वाले प्रेशर में मोल्स बराबर नहीं ना निकलेगा सर। मोल्स तो बराबर ही रहेगा, मोल्स तो हमेशा बराबर रहेगा, मोल्स इधर उधर मूव नहीं। इक्वेशन के हिसाब से तो डबल होना चाहिए। नहीं नहीं देख रहे हैं ये प्रेशर वाले पार्ट में उस चीज को पुट कर रहे हैं, ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स बराबर होना है ठीक है। और ऊपर वाले फोर्स में एक पी प्रेशर भी है बेसिकली और पिस्टन का भी कुछ ना कुछ प्रेशर लगा हुआ है, तो ऐसा कर देते हैं पी प्लस पी ऑफ पिस्टन, चलो एम कर देते हैं इस चीज को। और इधर वाले पार्ट में प्रेशर हम लोगों का इसके सम के बराबर ही है, इसको पी के बराबर ही रखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जब इक्वेट करना शुरू करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स तो बराबर है, तो नंबर ऑफ मोल्स अगर अपना बराबर निकल के आ रखा है तो क्या मैनिपुलेशन करें यहाँ पे। पहले वाले केस में P1 प्लस PM इंटू 2V अपॉन RT इज इक्वल टू N के बराबर वैल्यू है। और दूसरे वाले केस में आइडियल कैसे क्वेश्चन में कंसीडर करेंगे हम लोग इस PM को? यार करना तो पड़ेगा ही, एक्चुअल में करना पड़ेगा क्योंकि और तो कोई ऑप्शन भी नहीं है इसमें। और दूसरे वाले केस में सर लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं कर रहा है। क्या 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 बोला कोई एक आदमी? बोलो उसको बोलने दीजिए पहले। हाँ ना बोलो सर लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि जरूरी है कि इक्विलिब्रियम में रहेगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगा के पिस्टन को वहाँ पे रखे हुए हैं। नहीं एक्सटर्नल फोर्स लगा के नहीं रखे हुए, मूवेबल पिस्टन है तो एक्सटर्नल फोर्स हम लोग कैसे लगाएंगे, एक सिलेंडर के अंदर फिटेड है वो, तो एक्सटर्नल फोर्स को कहीं से लगा नहीं रखे हैं। और एक्सटर्नल फोर्स भी अगर लगा रखे हैं तो ये जो बेसिकली हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि इस पिस्टन के मास की वजह से पिस्टन नीचे चला गया, उसी चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा क्या?
ऑलमोस्ट उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरा क्वेश्चन था कि P1 जो है वही ना प्रेशर अप्लाई कर रहा है गैस, तो फिर PM प्रेशर तो गैस अप्लाई नहीं कर रहा, तो फिर हम लोग उसको आइडियल गैस इक्वेशन से पता कर रहे हैं। अच्छा ना, ये भी सवाल सही है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन था कि सर जो दोनों केस में पिस्टन प्रेशर अप्लाई करेगा वो इक्वल होगा सर, वहाँ पे एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे ऊपर का प्रेशर P लिखते हैं और नीचे का जो प्रेशर है P2 उसको P1 प्लस PM लिख सकते हैं, तब तो आइडियल गैस इक्वेशन में आ जाएगा ये चीज, और होना भी शायद ये चीज था, हम थोड़ा गलत लिख दिया वहाँ पे। ऊपर का प्रेशर P है, नीचे का प्रेशर कितना होगा, तो नीचे का प्रेशर P प्लस वो पिस्टन वाले पार्ट का जो भी मास निकल के फिर उसके वजह से जो भी एक्स्ट्रा प्रेशर आ रहा है, तो नीचे वाले केस में P1 इसको 1 कर लेते हैं प्लस पिस्टन का मास, सॉरी पिस्टन की तरफ से जो एक्स्ट्रा प्रेशर आ रहा है उसके बराबर का वैल्यू होना चाहिए। मतलब जैसे अगर ये पिस्टन इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये जो P1 वाला पार्ट है इसका प्रेशर, मतलब ऊपर वाले कंटेनमेंट ऊपर वाले हाफ का जो प्रेशर है प्लस पिस्टन के वजह से जो प्रेशर है, जैसे फोर्स के टर्म में कर सकते हैं इस चीज को, ऊपर वाले गैस केस में गैस की वजह से जो फोर्स लग रहा प्लस जो पिस्टन की वजह से फोर्स लग रहा, और मूवेबल पिस्टन है इसीलिए FM कर रहे हैं, और नीचे वाले केस में प्रेशर सॉरी फोर्स वाला पार्ट F2 के बराबर है, और क्योंकि एरिया वाला पार्ट अगर हम लोग ले करके चल रहे हैं तो डिवीजन हम लोग सिमिलर टाइप से ही मानते हुए चल रहे हैं, तो F1/A मतलब यहाँ पे प्रेशर P1 लेके चल रहे हैं, यहाँ वाले पार्ट में FM P2 लेके चल रहे हैं, सॉरी PM लेके चल रहे हैं जो कि P2 के बराबर हो रहा है, ठीक है। नीचे वाले पार्ट का प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि वॉल्यूम कम है, ऑब्वियस ही बात है, तो P1 प्लस PM होना चाहिए, और इसके अलावा वॉल्यूम वाला पार्ट V के बराबर होगा। ये तो इनिशियल कंडीशन है जिसमें टेम्परेचर वाला पार्ट जब 300 के बराबर था तब लेके चल रहे थे, और क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स वाला पार्ट सेम है लेकिन सेकंड कंडीशन वाले पार्ट में हम लोगों को टेम्परेचर बढ़ाना है, उस टेम्परेचर के बढ़ाने की वजह से हम लोगों का जो वॉल्यूम वाला पार्ट है वो चेंज हो रहा है, तो बेसिकली प्रेशर भी चेंज हो रहा है। तो अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाए तो P1 × 2V अगर कंसिडर करके चल रहे हैं तो P1 वाला पार्ट तो हट जाएगा, P1 कर देते हैं, और वॉल्यूम वाला पार्ट 4 times होना चाहिए, P1 × 4V लेना पड़ेगा क्या? हाँ V' भी लेना पड़ेगा, V' भी लेना पड़ेगा। R × temperature वाला पार्ट T मान के चल लेते हैं, = नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं हो रहा, तो ये एक चीज फिक्स लेकर के चल रहे हैं, और दूसरे वाले केस में हम लोग का P1 जो आया उसके अलावा पिस्टन के तरफ से जो भी फोर्स लग रहा है क्योंकि उसके मास में कोई चेंजेस नहीं होगा तो ये वैसे ही लेना पड़ेगा, और वॉल्यूम वाला पार्ट V' लेके चल सकते हैं / R × temperature = नंबर ऑफ मोल्स N। तो इस पूरे पार्ट में क्या क्या कैंसल आउट करें, हाँ एक कैंसल आउट ये चीज कर सकते हैं, जैसे मान लो कि इक्वेशन 1 वाला पार्ट दिख रहा है, इक्वेशन 2 वाला पार्ट दिख रहा है, इक्वेशन 3 दिख रहा है, इक्वेशन 4 दिख रहा है, तो हम लोग ऐसा कर देते हैं 4/3 कर देते हैं, और 4/3 करेंगे तो R और T तो कैंसल आउट हो जाएगा, अगर R और T कैंसल आउट होगा और N वाला पार्ट भी कैंसल आउट हो जाएगा, तो बेसिकली P1 तो यहाँ वाले पार्ट से अगर हम लोग PM कंसिडर करते हैं, PM = हम लोग का 3, P1 निकल के आ गया, ठीक है। एक तो ये इक्वेशन थोड़ा सिंप्लीफाई हुआ, पहला चीज। दूसरा अगर हम लोग एक चैम्बर के लिए केवल बात करते हैं, एक चैम्बर वाला पार्ट मतलब जैसे इस वाले पार्ट के लिए अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम लोग 1 और लेकिन यहाँ पे डैश वाला पार्ट चेंज हो जा रहा है, तो दूसरा इक्वेशन हम लोग को यहाँ से निकालना पड़ेगा 1 और 2 वाले पार्ट से। तो इस केस में भी हम लोग अगर 2/1 करके चलते हैं, तो 2/1 अगर 1 करके चलेंगे तो इस केस में P1 + PM / 2P1 = 1 निकल के आएगा, तो इसका मतलब बेसिकली PM = हम लोग को यहाँ से वैल्यू P1 निकल के आ जा रहा है, ठीक है। एक ये रिलेशन निकल के आ गया, एक ये रिलेशन निकल के आ गया, तो
जितने भी वेरिएबल्स है वो हमको लगता है डैश और वी के बीच रिलेशन होगा, एक वी और वी डैश के बीच में रिलेशन होगा, क्योंकि एक ये रिलेशन अगर निकल के आ गया तो यहाँ वाले पार्ट में हम लोग पी वन डैश, जैसे पी एम इज इक्वल टू पी वन लिख दिया, तो यहाँ पे हम लोग पी वन डैश के रिस्पेक्ट में भी काम कर सकते हैं, तो वहां से अपना काम, या फिर उल्टा भी कर सकते हैं, ऊपर वाले इक्वेशन में पी एम की जगह पे हम लोग पी वन डैश के रिस्पेक्ट में काम कर सकते हैं, फिर एक इक्वेशन वी और सॉरी हाँ वी और वी डैश के रिस्पेक्ट में एक रिलेशन निकल के आ जाएगा, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। मतलब ठीक है सो मैनिपुलेशन बहुत लंबा है क्योंकि इसमें चार इक्वेशंस और वेरिएबल कौन कौन सा है, सवाल में पूछा क्या है वैसे टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर वेरिएबल है, उसके अलावा वी डैश वेरिएबल है, पी वन डैश वेरिएबल है, तो एक दो तीन, वी वॉल्यूम वेरिएबल है, चार पाँच छः, छः वेरिएबल है, तो अगर छः वेरिएबल है तो इसका मतलब छः इक्वेशन आना चाहिए, तो चार इक्वेशन तो यहाँ से आ गया, एक इक्वेशन यहाँ से आ गया, एक इक्वेशन यहाँ से आ गया, तो छः वेरिएबल है, छः इक्वेशन है, तो यहाँ से सॉल्व किया जा सकता है, तो सॉल्व करके देखना। अच्छा सवाल है, तो कुछ ज्यादा ही अच्छा सवाल है, हम तो केवल ये देख करके सोच लिए थे, मतलब हम सवाल को ऑलमोस्ट सिलेक्ट करते वक्त यही सोचे थे कि सिलेंडर फिटेड विद अ मूवेबल पिस्टन, तो बस मूवेबल पिस्टन देख करके हम डाल दिए, चलो ठीक है बढ़िया सवाल हमको दिख रहा है सर, लेकिन क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम लिखना चाहिए तो कहां से समझ में आएगा आप लोगों को? अरे तो बिना इक्विलिब्रियम के कैसे, ये जो कंडीशन है मान लो कि द वॉल्यूम अबव इज टू टाइम्स द वॉल्यूम बिलो, तो ये वेरिएट कर सकता है क्या? मतलब मान लो कि इक्विलिब्रियम अगर नहीं दिया, ये पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा है, तो वॉल्यूम नीचे वाला का ऊपर वाले के हाफ हो सकेगा क्या? ये कंडीशन, ये जो स्टेटमेंट दिया ये उस इक्विलिब्रियम वाले कंडीशन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है क्या? एक फिक्स्ड सिनेरियो दे दिया है कि वॉल्यूम नीचे वाला जो है वो इतना रहेगा और ऊपर वाला इसके डबल रहेगा, तो एक फिक्स्ड सिनेरियो है, मतलब पिस्टन, और उसमें पिस्टन कैसा है मूवेबल, लेकिन मूवेबल पिस्टन होते हुए भी ये फिक्स सिनेरियो दे रखा है, हम बोले तो हम क्वेश्चन का क्या लैंग्वेज पढ़ करके सवाल हम दे दिया, मतलब इसका जैसे हम लोग हम क्वेश्चन सॉल्व पढ़ते वक्त उसका सॉल्यूशन भी देखते हैं कहीं कोई एरर ना हो, लेकिन ठीक है इसमें एरर भी होता तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं था क्योंकि सवाल हमको अच्छा लगा, मूवेबल पिस्टन और उसमें ऐसा सिनेरियो दे रखा, वो काफी है इतना दिमाग लगाने के लिए, आखिर तुम कन्फ्यूज हुआ तो इसमें कम से कम तुम्हारी लाइफ में कुछ जिंदगी में सीखने को मिला तो एक चीज, और कोई डाउट है किसी को? ये बना था सवाल किसी से, किसी से भी? ये ज्योत्सना के पेपर में नहीं सामने रिजल्ट्स लिखा हुआ है, करेक्ट जीरो लिखा हुआ है तो करेक्ट जीरो रॉन्ग थ्री, मतलब अच्छा कोई इसको सही नहीं कर पाया और तीन लोग रॉन्ग किए हैं, ओहो हो, और बाकी एक तो बनाया नहीं है, दो लोग नहीं बनाया ज्योत्सना के पेपर में था नहीं, अरे नालायक लोग सर, हम 15 मिनट दिए थे फिर अटेम्प्ट भी नहीं किए, कभी भी सवाल में 15 मिनट मत देना, एक चीज एकदम ध्यान रखना, सर, बाकी सारा क्वेश्चंस तो सिंपल था ना, तो लास्ट में टाइम बच गया था, हाँ टाइम बच गया तो अलग बात है, बट तो हम 26 मिनट दिए थे इस क्वेश्चन को आखिर में, एक क्वेश्चन लेंदी है, क्वेश्चन डेफिनेटली लेंदी है, लेकिन 15 मिनट के लायक लेंदी नहीं है, मतलब तुमको देख के लगा कि 15 मिनट के लायक लेंदी है, मेरे हिसाब से तो 15 मिनट के लायक लेंदी नहीं, लेकिन हाँ ठीक है क्वेश्चन एकदम यूनिक टाइप का है, तो ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो डेफिनेटली सोचना पड़ता है, बट ठीक है इस तरह का क्वेश्चन लाइफ में पहली बार आता तो जिंदगी भर याद रहेगा, अच्छा ऐसा भी एक सिनेरियो हो सकता है, आएगा आएगा, अभी तो जिंदगी शुरू हुआ है, अभी तो बहुत सिनेरियो आएगा ऐसा, अरविंद मेरे से 3-4 क्वेश्चन का डिसीजन किया है, मतलब उसके ऑप्शन इतने कन्फ्यूजन है कि हमको भी सोचना पड़ता है पहले कि बोले कि ना बोले, सही है कि गलत है, और देख के मालूम पड़ी है कि जो एडवांस का क्वेश्चन है उसमें दोनों ऑप्शंस को सही माना गया है कि ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, क्योंकि गैसीय स्टेट में आइडियल और रियल गैस में बहुत कन्फ्यूजिंग टाइप के कंसेप्ट है कि एग्जैक्टली क्या बाउंड्री कंसिडर करें, हमको भी मालूम नहीं कि ये चीज़ कंसिडर करना सही होगा कि गलत होगा, तो थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का टॉपिक है गैसीय स्टेट, मतलब इस वजह से सवाल उसके बड़े सिंपल सिंपल से पूछे जाते हैं, उसमें भी गैसीय स्टेट में हमेशा कुछ ना कुछ उसमें एरर रहता ही रहता है, क्योंकि है एक थोड़ा अजीब टाइप टॉपिक है, बट ठीक है ये सवाल मतलब ऐसा था कि सवाल के डिफिकल्टी लेवल के लिए अच्छा सवाल है, नया सवाल है, देखना होता है इस तरह का सवाल। वैसे तुम लोगों को जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया जाएगा तो थर्मोडायनेमिक्स में स्पेशली फिजिक्स में वहाँ पे ये बहुत ही नॉर्मल सा सवाल है, बहुत नॉर्मल सा सवाल, उसमें और क्या होगा, ये नॉर्मल सा सवाल मतलब ऐसा नहीं कि जेई के लिए नॉर्मल है, नीट के लिए भी बहुत नॉर्मल सा सवाल है, ऐसा होगा एक पिस्टन सिलेंडर सिस्टम है उसमें यहाँ पे एक सब हम लोग बॉक्स रख दिए, अब निकालो फाइनल प्रेशर क्या होगा, तो इस तरह का सवाल बहुत ही नॉर्मल स्टैंडर्ड सवाल होगा जहाँ पे वर्टिकल पिस्टन सिलेंडर सिस्टम है,
तो क्वेश्चन के लैंग्वेज को पढ़ करके डायग्राम इमेजिन करना बहुत ही मस्ट कंडीशन होगा. तुम डायग्राम इमेजिन नहीं कर पाए ये थोड़ा हमको ये हंसने वाली चीज है कि अबव एंड बिलो बोला तो कैसा डायग्राम इमेजिन किया, मतलब ऐसा डायग्राम इमेजिन किया था क्या ये? नहीं सर, हम एक ओपन सिलेंडर टाइप कर लिए और उसमें दो सिचुएशन लिए, एक जिसमें पिस्टन थोड़ा नीचे, एक जिसमें थोड़ा पिस्टन ऊपर है, और एक का वी मान एक का टू वी मान. तो कैसा अंग्रेजी स्कूल से पढ़ा रहे नालायक लोग तुम बताओ यार, हम केंद्रीय विद्यालय से पढ़ करके इतना अच्छा इंग्लिश रखे हुए, तुम्हारा बताओ इंग्लिश इतना घटिया है, डूब मरो तुम लोग जाकर कहीं पे सोचो. हिंदी में दिया रहता है किसमें? हम लोग तो नहीं डालने वाले, हिंदी में टाइप नहीं कर सकते हम लोग, उसके लिए कीबोर्ड भी अलग रखना पड़ेगा, उसका फॉन्ट हम लोग के लिए काफी प्रॉब्लमेटिक है. आज बात हो रहा था कि स्कूल में, तो वो लोग बोल रहे थे कि आप लोग स्कूल का एग्जाम कैसे कंडक्ट कराएंगे, तो हम लोग स्कूल का तो हम लोग नहीं करा सकते, उसमें हिंदी इंग्लिश रहता है, कहाँ से कराएंगे हिंदी का पेपर, हम कहाँ से कंडक्ट करा पाएंगे, पॉसिबल नहीं है. इसीलिए बाकी पेपर कैसा रहा तुम लोगों का, पेपर का स्टैंडर्ड भारी आसान, बहुत भारी बहुत आसान, एवरेज? सर कुछ क्वेश्चन किया पूरा अनूप को बोल दीजिए. नहीं नहीं इस बार तुम बोलो. हाँ ठीक है सर, तो आप बोल रहे थे कि हम तो एक्सपेक्ट किए थे कि आप पूरा भारी भारी डाल देंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप में, लेकिन अच्छा लगा इतना भारी न्यूमेरिकल सेक्चुअल में नहीं होता है, बहुत सिंपल थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. प्रीवियस ईयर देख के तुम लोग आइडिया लगा होगा न्यूमेरिकल बनाने आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है. वही तो करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ा ना कि एकदम हल्का आसान पेपर बनाएंगे, मजाक चल रहा है, आसान पेपर थोड़े ना बनाने बैठे हैं. टॉपिक के हिसाब से चीजें बहुत वेरिएशंस में जाएंगे, बहुत वेरिएशंस. हम लोग भी पहली बार इतना वेरिएशंस कर पा रहे हैं क्योंकि ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट करने का मौका भी नहीं मिला, मजा आ रहा है हम लोग को भी. ज्योत्सना तुम्हारा कैसा पेपर रहा? तुम बहुत गलती किए पेपर में. यस सर. क्यों, क्या परेशानी है बताओ? तुम्हारा फिजिक्स में नंबर अच्छा आ रहा है, तुम्हारे पेपर के लेवल के हिसाब से फिजिक्स का नंबर ठीक आ रहा है, थोड़ा उसमें और स्कोर और बढ़ सकता है 20 से 25 मार्क्स, बट नेगेटिव की वजह से गलती हो रहा है. बट केमिस्ट्री में नंबर कम हो गया इस बार, केमिकल बॉन्डिंग में जबकि अच्छा नंबर था. क्यों ऐसा, क्यों? जवाब चाहिए, जनता जवाब चाहती है. नहीं तो मैथ्स ऐसा थोड़ी कि एकदम नहीं करना है. बताओ भी ज्योत्सना क्या दिक्कत आया, पेपर भारी था? नहीं सर भारी तो नहीं था. तो उसमें एक काम करना, नेक्स्ट टाइम से तुम इस चीज का ध्यान रखना स्पेशली कि इन लोगों का तो एडवांस लेवल का टेस्ट चलेगा, इन लोगों का एटीट्यूड भी वैसे ही रखना है इन लोगों को. जब तुम्हारा इन लोगों का एडवांस लेवल टेस्ट चलेगा ना, तो तुम अपने उन्हीं पेपर्स को, तुम्हारे लिए हम ओपन करवा देंगे, उसी पेपर को दोबारा भी अटेम्प्ट करके देखना कि फिर से अगर हम वही पेपर देते हैं तो फिर हम कितना स्कोर कर पाते हैं. और दोबारा अटेम्प्ट करने का मतलब है कि तुम्हारे लिए पेपर हम वापस से अटेम्प्ट ओपन कर देंगे. पहले एक दिन पेपर देना, उस दिन प्रॉपर उसका एनालिसिस करना, क्योंकि मेडिकल और इंजीनियरिंग के एग्जाम में यही डिफरेंस है. तुमको एक ही चीज दो बार तीन बार चार बार कर, तुमको रटना है, तुमको फिजिक्स भी रटना है. अगर कल को मैथ्स तुम्हारे बायोलॉजी में इंट्रोड्यूस करते हैं, तुमको मैथ्स भी रट जाना है. मतलब ये मत सोचेंगे मैथ्स प्रैक्टिस करके सीख ले, सीखना मत, रटना है. क्योंकि तुमको कल को ऑपरेशन करना होगा तो रटना है वो बेसिकली. ऐसा काटना तो ऐसे ही काटना है, इसकी जगह ऐसा काट देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, तो रटना है. तो रटने वाला जो टेंडेंसी है वही हैबिट करना पड़ेगा. मतलब ऐसा नहीं कि प्योरली उसको रट रहे हैं, फिजिक्स में रटना लग गया कि रटने का क्या मतलब है, बट उस क्वेश्चन के पैटर्न को रट रहे हैं कि इस तरह का क्वेश्चन ऐसा आंसर होता है, इस तरह का क्वेश्चन ऐसा आंसर होता है, ये थ्योरेटिकल पार्ट ये आंसर होगा, वो रटना है. तो पहले एक दिन पेपर दिया, उसका अच्छे से एनालिसिस किया और उसको फिर भूल गए, नॉर्मल अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं. फिर उसी चीज को महीने भर बाद एक पेपर या दो पेपर, जैसे केमिस्ट्री का दो घंटे का पेपर है, तो कोई भी दो पेपर लो, फिर उसका पूरा सॉल्व कर जाओ वापस से, फिर देखो कि उसमें मेरा स्कोर बढ़ा कि नहीं बढ़ा, और बढ़ा तो सिग्निफिकेंटली कितना बढ़ा. तो तुमको एक और चीज रियलाइज होगा उससे, ये इनफैक्ट बाकी लोगों के लिए भी है, कि जब एक ही चीज को दोबारा करेंगे तो स्कोर काफी ज्यादा इंक्रीज कर सकता है. तो उससे ये चीज रियलाइज होना चाहिए कि एक चीज को दो बार तीन बार करना मस्ट होता है. एकदम नए सिनेरियो में काम करने का सेंस नहीं बनता है, क्योंकि जेई एडवांस में लिमिटेड क्वेश्चंस है. जेई एडवांस का मतलब है कि कितने क्वेश्चंस हो गए मेंस लेवल के, एडवांस लेवल के 30,000 क्वेश्चन, 40,000 क्वेश्चन, 50,000 क्वेश्चन पूरा सिलेबस मिला के. अगर हम मान लो तुम लोगों को दो साल कराए एक कोर्स, तो दो साल में 700 दिन है, 700 दिन भी छोड़ो 100 दिन छोड़ देते हैं, 600 दिन है. पर डे अगर 100 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं तो 60,000 क्वेश्चन हो गए.
इससे ज्यादा सिचुएशन ही नहीं है, 40,000 नए सिचुएशन है, तो मतलब 40,000 भी नहीं, एक्चुअली हमको लगता है कि 25-30,000 के अराउंड नए सिचुएशन है, तो 30,000 सिचुएशन देखने हैं और बाकी 30,000 उन्हीं तरह के सिमिलर सिचुएशन को रिपीट करना है, बस यही काम करना है, लेकिन ये काम 2 साल लगातार करना है। तो उसमें मेडिकल वालों का सिचुएशन और भी कम है, एक टॉपिक में मैक्सिमम 200 क्वेश्चंस है, इंजीनियरिंग वालों में वही मैक्सिमम क्वेश्चन 400 के अराउंड हो जाता है एक टॉपिक में, बट मेडिकल में 150 से 200 क्वेश्चन फिक्स्ड है, उससे ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, उसी को एक बार बनाया, फिर 2 बार बनाया, फिर 3 बार बनाया, और कुछ भारी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, उसके लिए कुछ क्रिटिकल क्वेश्चन मालूम होने चाहिए, जैसे 2018 में, 2017 में, 2019 में, 2020 में, मतलब 10 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन ऐसे आए जो काफी अच्छे थे। भरोसा नहीं होगा, एक ईशानी करके एक स्टूडेंट थी, तो उसको हम लिस्ट बना के दिए थे पूरे, एक तुम्हारे पास जो बुक है ना, उसी बुक का लिस्ट बना के दिए थे, उसमें हम टोटल हमको लगता 149 या 152 के अराउंड क्वेश्चन मार्क करके दिए थे पूरे बुक का, पूरा 11-12 का मिला के, कि इन क्वेश्चन को लास्ट में जरूर देखना, लास्ट के 3-4 दिन 5 दिन में जरूर देख के जाना, या फिर अभी भी प्रैक्टिस कर लो, बट वो नहीं देखी, और उस तरह के सिनेरियो से 7 क्वेश्चन एकदम सेम आए, सेम 7 क्वेश्चन आए, और वो 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं की। बाय चांस हुआ क्या कि वो पेपर जब देके आए, तो पेपर हम मंगवाए थे उससे और उसका हम वो किए, स्कैन किए, तो हम देखे कि ये सब क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, तो हम उससे एक ही सवाल पूछेगा, अच्छा तुमको जो हम क्वेश्चन बोले थे लास्ट में प्रैक्टिस करने, प्रैक्टिस की थी क्या? बोले नहीं सर, नहीं किए थे, अगर वो की होती तो 7 क्वेश्चन बन जाता, तो अटेम्प्ट ही नहीं की। तो उस तरह के क्रिटिकल क्वेश्चंस होते हैं डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, रैंकर्स के बीच में डिफरेंस वैसे ही क्रिएट होता है, लेकिन उस तरह के क्रिटिकल क्वेश्चंस भी एग्जिस्ट करते हैं जो तुमको 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करना है, बाकी जनरल क्वेश्चन में स्पीडली प्रैक्टिस करना है, वही क्वेश्चन को फास्टली बनाने का प्रैक्टिस करना है, 1 मिनट में क्वेश्चन बने, क्योंकि तुम्हारा 1 मिनट का टाइम बहुत मैटर कर रहा है, ये चीज जरूरी होगा, उसके लिए तुमको नया क्वेश्चन नहीं, वही क्वेश्चन 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार देखते रहो, क्वेश्चन रिपीट होता है तो भी नहीं, रिपीट हुआ तो कितना फास्ट बना पाए, अगर सेम सवाल रिपीट हो गया तो ऐसा थोड़ा ना कि देखते ही कि नहीं, इसका बी ऑप्शन लास्ट टाइम भी पढ़े तो अभी भी बी ऑप्शन होगा, देख लो कि उसमें क्वेश्चन में कुछ न्यूमेरिकल इधर उधर वेरी तो नहीं किया, तो अगर वो क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ तो अगर हम उसको स्पीडली सॉल्व करते हैं, तो उसमें बिना एरर के कितना देर में उसको सॉल्व कर सकते हैं, 20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं क्या, 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं क्या, कि आधे मिनट में सॉल्व कर सकते हैं क्या, ये काम करने की कोशिश करो, उससे स्कोर बढ़ेगा, तुम्हारा एप्टीट्यूड थोड़ा डिफरेंट रहेगा इन लोगों का, तुमको सीखना बहुत भारी चीज भी है, हम सब लोग सिखाएंगे, लेकिन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का एप्टीट्यूड थोड़ा अलग रहेगा, ठीक है। और बाकी ये 10वें वाले नालायक लोग सब, अच्छा नहीं, अनूप से पहले पूछना, बताओ अनूप क्या है जिंदगी का सच? सर बहुत अच्छा था पेपर, लेकिन वो इंटीजर टाइप में, जैसे अगर 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है तो थोड़ा रेंज देना चाहिए ना। ठीक है, इसमें एक छोटा सा मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, कि अगर 2 डेसिमल प्लेस तक अगर रेंज मतलब क्या सर? जैसे अगर 0.47 आ रहा है तो जैसे 0.4 से लेके 0.5 तक सही होगा, आईटी में तो रहता है ना? नहीं, ऐसा तो हमको शायद नहीं लगता है, आईटी में वैसे 2 सेकंड डेसिमल प्लेस तक होता नहीं है, उसमें इंटीजर ही होता है, सिंगल इंटीजर या डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट, बट मेंस में डबल मतलब सेकंड डेसिमल प्लेस तक लिखना होता है, उसमें ऐसा कोई रेंज वाला चीज तो आज तक नहीं सुना है बेसिकली, तो रेंज हो सकता है, रेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो आर का वैल्यू है, तो आर का वैल्यू 0.082 ले लिए तो अलग है, 0.02 लेंगे तो आंसर थोड़ा अलग आएगा डेसिमल में, सेकंड डेसिमल प्लेस में, 0.021 ले लेंगे तो और अलग आएगा, एनए का वैल्यू 1.66 लेंगे तो थोड़ा अलग आंसर आएगा, 1.67 लेंगे तो डेसिमल में सेकंड डेसिमल प्लेस में वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो अगर इस तरह का सवाल आता है जहां पे 0.08 के जगह पे 0.0821 ले लिया, 9.8 के जगह 10 ले लिया, तब उस केस में वो वैल्यू एग्जैक्टली कितने के बराबर वैल्यू आउटपुट देगा ये जरूर बताया जाएगा, या फिर R का वैल्यू 0.08 ही लेना है ये प्रिसाइजली मेंशन कर दिया जाएगा। हम लोग के क्वेश्चन में ये चीज नहीं था, नेक्स्ट टाइम से हम थोड़ा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे कि इस तरह का भी पार्ट उसमें हो, बट एक्चुअल में हमको नहीं लगता है कि ऐसे स्टेट के अलावा बाकी किसी टॉपिक में इस तरह का बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी बहुत ज्यादा इस तरह का डिफिकल्टी नहीं होगा, तो इस तरह का सिनेरियो नहीं आना चाहिए नॉर्मली, बट ठीक है अगर आता है तो क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा मॉडिफिकेशन करके देखेंगे, ये रेंज वाला पार्ट अगर रहा तो कोई दिक्कत नहीं, बट प्रॉब्लम की बात नंबर वाला इंटीजर टाइप का वो स्टार्ट हुआ क्या? मैं एक नाम सुन लेता हूं, कोचिंग का टेस्ट होता है उसमें डेसिमल के बाद नंबर वाला आंसर कब से शुरू हुआ इंटीजर टाइप? यार ये मेंस में लास्ट ईयर के मेंस में इंटीजर टाइप शुरू हुआ है, मतलब इंटीजर नहीं न्यूमेरिकल वैल्यू, तो लास्ट ईयर अपने एग्जाम में कब से शुरू हुआ? हम लोग तो बोले कि हम लोग रैंडम पैटर्न रखेंगे तुम लोगों का। मेरा इक्वल टू 0.22 है तो उसके बाद गलत वाला नंबर 2 लिख दिया गया।
कोई बात नहीं चलेगा, मतलब तुम लोगों को वही चीज तो सीखना है कि अच्छा ठीक है, मतलब एरर भी है तो एरर का जो परसेंटेज है तो फिजिक्स में आता भी है, परसेंटेज एरर एक टॉपिक ही है, वो एरर का चांस बहुत कम है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट याद तो है ना कि हाँ ठीक है इस तरह का एरर एक पॉसिबल है न्यूमेरिकल। और एक चीज एकदम ध्यान रखना है, कैलकुलेटर अगर भूल के भी यूज कर लिया कोई भी तो बहुत बड़ा पाप कर रहा है। कैलकुलेटर के बिना टाइम लगाओ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का। हम पहले ऑब्जेक्टिव अप्रोच दिया करते थे तो हम बोलते थे कि सब्जेक्टिवली उतना सॉल्व मत करो, बट क्योंकि हर जगह न्यूमेरिकल आ गया तो सॉल्व करना पड़ेगा तुम लोगों को। तो इसमें ठीक है थोड़ा बहुत अगर एरर होगा तो हम लोग देखते हैं, क्योंकि उसमें जैसे जो कोड लिखना है बेसिकली कि इस रेंज में अगर आंसर होगा तो रेंज वाला जो चीज़ है वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा, फिर अब हम लोग को पूरा उसमें कोडिंग चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग अगर बात करके देखते हैं कि अगर ये रेंज वाली चीज़ उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्या, कि अगर सेकंड डेसिमल प्लेस तक आंसर है तो इस रेंज तक अगर आंसर रहा तो आंसर को सही माना जाएगा, तो शायद हो जाएगा ये चीज़। बात करके देखते हैं टेक टीम से क्या हो सकता है। और प्रियांश कैसा रहा पेपर? ठीक था अद्वे? हाँ सर अच्छा था। चलो अच्छी बात है। क्या लग गया? पेपर का लेवल अच्छा था। अच्छा चलो ठीक है। वैसे पेपर का लेवल बहुत नॉर्मल थियोरेटिकल टाइप का था, पेपर का लेवल अच्छा था, कुछ क्वेश्चंस काफी अच्छे थे, कुछ क्वेश्चंस बहुत सिंपल थे, कुछ क्वेश्चन देखे देखे लग रहे होंगे तुम लोगों को, तुम्हारे बुकलेट में भी दे रखा है। बट नेक्स्ट टाइम से जैसे अभी इसके बाद तुम लोग का स्कोर बढ़ना फिर से शुरू होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थ्योरेटिकल टॉपिक है। तो जैसे थ्योरेटिकल टॉपिक है तो उसमें एक क्रिटिकल टाइप का थ्योरेटिकल टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग, उसमें अगर सोच समझ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो स्कोर बहुत हाई होगा, हड़बड़ी नहीं करना होता। बट नोमेनक्लेचर ऐसा है कि क्रिटिकल जैसा कुछ है ही नहीं इसमें, घटिया टॉपिक है, इसमें नंबर आता ही आता है। तो अब तुम लोग का नंबर बढ़ना शुरू होगा, फिर कुछ फिजिकल का टॉपिक आएगा तो नंबर घटेगा, लेकिन जहां कहीं भी इनऑर्गेनिक का पोर्शन आएगा उधर नंबर इंक्रीज करता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब तक चलेगा बहुत मजा आएगा तुम लोगों को, बहुत लॉजिकल टॉपिक है, कुछ कुछ उसमें निगेटिव मार्किंग होगा अगर हड़बड़ी करेंगे तो, लेकिन अगर हड़बड़ी के बिना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आसान मतलब सुकून से, तो अब तुम लोग का नंबर हमेशा हमको लगता है कि 60-70-80% या हो सकता है 90-95% तक भी अप्रोच कर सकता है एटलीस्ट केमिस्ट्री में। मैथ्स फिजिक्स भारी रहेगा कोई दिक्कत नहीं, बट ठीक है मैथ्स फिजिक्स भारी रहेगा तो एटलीस्ट केमिस्ट्री उसको बैलेंस आउट करेगा। और ट्वेल्थ वाले लोगों के लिए बहुत जिंदगी आसान हो जाएगी जैसे ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट में नॉर्मली इतना सिंपल सिंपल सिनेरियो याद रखना होता है कि उसमें मतलब बस याद है तो सवाल बनेगा, नहीं याद है तो सवाल नहीं बनेगा। तो याद कैसे रखवाना है, कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना है, वो चीज़ हम लोग आराम से देखते चले जाएंगे। जैसे एक चीज़ देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा तुम लोगों को, स्टूडेंट लीडर बोर्ड में पावनी भारद्वाज नीट, अंकिता मुखर्जी नीट, किरण कुमावत ये स्टूडेंट की बात कर रहे थे जो जयपुर की है, ये भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे रेगुलरली। फिर उसके बाद सुधांशु राज मेडिकल, अद्रिया चटर्जी नीट, शिवांगी कुमारी 12 पास आउट नीट, मोहिनी नीट, विशेषता नीट, ऋषि कुमार मेडिकल, चंदन मेडिकल, मतलब 10 में एक भी इंजीनियरिंग वाले लोग नहीं है। तो समझ में आ गया होगा कि इंजीनियर लोग कितने नलायक होते हैं। हम भी हैं, जो बन रहा है वो भी रहेगा, जो बन चुका है वो भी रह चुके होंगे, बट होते हैं नालायक, देख के मालूम पड़ रहा होगा तुम लोगों को कि मेडिकल वाले लोग एक्चुअल में जो अच्छे होते हैं काफ़ी मेहनती होते हैं, इंजीनियर वाले लोग बहुत नालायक होता है, सबके सब मेहनत नहीं करता है, सब चाहते हैं कि बैठे बैठे सब मिल जाए, हम लोगों को जितना हो सकता है आलसीपंथी करें यही चाहता है। इस एटीट्यूड को तुम लोग चेंज करना है थोड़ा, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर शुरू करेंगे। तो है ही क्या फर्स्ट वाला देखिए, फर्स्ट वाला जेई नहीं है, वो मेडिकल के स्टूडेंट है, बगल में जेई भी लिखा, हाँ लिखा हुआ है, वो मेडिकल के स्टूडेंट है, वो खुद बोली थी कि सर मेरा केमिस्ट्री पूरा मेडिकल वाला खत्म हो चुका है, जो जो हमको टॉपिक प्रिपेयर करना था, तो एक काम कीजिए इनऑर्गेनिक में हमको जेई वाले बैच में ऐड कर दीजिए, हम उसके क्वेश्चंस भी ट्राई कर लेंगे। तो केवल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जेई वाला पोर्शन प्रैक्टिस करने के लिए अपने उस बैच में भी ऐड करवाई थी, तो इसलिए उसका दोनों नाम लिखा हुआ है, बट वो है वो मेडिकल के स्टूडेंट, और हो सकता है कि साल काफी अच्छा रैंक लेकर के आए अगर वो रेगुलरली रिवीजन कर रही होगी, तो काफी अच्छे स्टूडेंट है। क्या बोल रहे थे हम, होमवर्क, एक मिनट होमवर्क पे आते हैं। आर बैच में बुकलेट में सर 20 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया चलो कोई बात नहीं, सेक्शन डी पूरा कंप्लीट कर लेना, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ बोले 10 होमवर्क दे देंगे कोई बात नहीं, तो तुम लोग से पेपर का डिस्कशन होने लग गया। सेक्शन डी वाले पार्ट में D1, D2, D3, D4 इस चीज को ट्राई करके देख लेना। कल सुबह ही क्लास है ना तुम लोगों का केमिस्ट्री का? मैथ्स ना, अच्छा कल पता नहीं, हम एक बार देख लेते हैं। तो ठीक है काम करते हैं, तुमको होमवर्क लिख करके तुम्हारे ग्रुप में डाल देंगे, ये सब क्वेश्चन सपोर्ट, ये सब क्वेश्चन सुबह बोल रहे हैं सर,
नहीं सुबह नहीं मतलब वही 1 बजे दोपहर में कौन कौन सा क्वेश्चन होमवर्क होगा तुम्हारे ग्रुप में हम लिख करके डाल देते हैं ठीक है, तो क्लास में एंड करते हैं यहीं पे, चलो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।